सो इन फोर्थ पेपर देयर इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड प्राइमरली नॉन फिक्शन लिटरेचर. नॉन फिक्शन इट इज अबाउट सम एसेज पर्टेनिंग टू क्रिटिसिज्म, सम एसेज पर्टेनिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इन वॉट वे इट डिवेलप्ड एंड इन वॉट वे इट केम आउट इन टू द व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ इट केम टू बी अ ग्लोबल लिटरेचर लिटरेरी सिनेरियो इन इंडिया. And in what way it attracted the attention of all the people, all the critics around the globe. पूरे दुनिया भर में कहाँ किस तरीके से लोगों को मतलब they got attracted towards Indian English literature, और Indian English literature made its mark and created its own identity. So there are three essays, three chapters from this autobiography. The name is an autobiography, so it is to be kept in mind very carefully. Sometimes the title is misleading. If it is an MCQ, so sometimes the question can be related to the title of the essay itself. So what is the correct title of the autobiography? It is autobiography. Is it an autobiography? Is it the autobiography? और इज इट माई ऑटोबायोग्राफी. कॉमनली दीज नेम्स आर देयर. आपको जनरली ये नाम आसानी से मिल जाएंगे जब किसी की बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी के बात करते हो. तो एक तो माई स्टोरी या माई ऑटोबायोग्राफी या द ऑटोबायोग्राफी या एन ऑटोबायोग्राफी या अ ऑटोबायोग्राफी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज एन ऑटोबायोग्राफी. एंड इट इज द फर्स्ट चैप्टर इज फर्स्ट चैप्टर मीन्स फर्स्ट चैप्टर फॉर योर सिलेबस. 44 चैप्टर एंड द चैप्टर्स नेम इज प्रिजन ह्यूमर्स. नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ह्यूमर्स. ह्यूमर्स मतलब टेम्परामेंट और मूड्स. इट रिफर्स टू मूड्स और स्टेट्स ऑफ माइंड. स्टेट्स ऑफ माइंड, वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड ऑफ जवाहरलाल नेहरू when he was in prison. Actually, as a matter of fact, he was given 2 year imprisonment during the British Raj. So he shares in this particular chapter, he shares his personal experiences. जो भी उनके experiences थे जेल में और जिस तरह के भी experiences थे, एक तो वो बात रही. Second thing is, in what way he thought about the life of prison. He also thinks about various facets of prison life. अब क्योंकि prison life उन्होंने खुद face की थी, so he better knew what were the conditions there at the time of British Raj. क्या लोग liberated feel करते थे, मतलब whether they were given basic amenities in prison, whether the people felt free, those who were prisoners. Or at that time most of the prisoners were freedom fighters. वहाँ पे इस तरह के ज़्यादा क्रिमिनल्स नहीं थे, मतलब दोज हु कमिटेड सम काइंड ऑफ क्राइम लाइक स्टेल्थ रॉबरी और मर्डर और दिस थिंग और दैट थिंग. ज़्यादातर क्या था उसमें, जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स जो होते हैं, मतलब फ्रीडम फाइटर्स, वही ज़्यादातर थे. या दोज हु वर रिबेलियन, दोज हु वर रिगार्डेड रिबेलियन बाय द ब्रिटिश राज, वही सारे लोग थे वहाँ पे प्रिजेंस में. So what kind of treatment was given to those people by the British authority at that time? एक तो ये चीज़ इन्होंने नोटिस की वहाँ पे. और sometimes you can, means in the later part of the essay chapter, you can also see that he has compared the state of prison in India and then the states of prison in America, USA at particular that time. वो भी दिखी है यहाँ पे. और इसमें In what way he was privileged? एक बात आपको यहाँ पे बार बार दिखेगी that he was not like ordinary prisoners. जैसे ordinary prisoners थे, बाकी उस तरह का treatment इनके साथ नहीं था. He मतलब he was a privileged person. In many ways he was given more facilities that were or that could not be thought of or that could not be imagined by the normal prisoners. जो कैटेगरी उस टाइम में कैटेगरीज थी, मतलब क्लास ए, क्लास बी एंड सी. सो क्लास ए प्रिजनर्स वर गिवन सर्टेन फैसिलिटीज, सर्टेन
एमिनिटीज, मतलब दे वर प्रिविलेज्ड, सो इन सम और अदर वे, मतलब क्या कहा जाए कि प्रिविलेज्ड क्यों थे, एक ये भी एक यहाँ पे इशू आपके सामने आएगा, वाई पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज प्रिविलेज्ड. सो टू थिंग्स कैन बी इजिली देयर. एक चीज उन्होंने नोटिस यहाँ पे की है, एक्सपेक्ट मतलब एक्सप्रेस की है इस पूरे एसेज में, दैट ही वॉज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड देन ही वॉज ऑल्सो एजुकेटेड एट सम पब्लिक स्कूल इन इंग्लैंड. ही वॉज वेरी वेरी वेल वर्स्ड इन द कल्चर ऑफ इंग्लैंड, कल्चर ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड ही वॉज एफ्लुएंट. ठीक, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई परहैप्स आई वॉज गिवन दिस फैसिलिटी और दिस एमिनिटी बिकॉज आई हैपन टू स्टडी इन इंग्लैंड एंड आई हैपन टू हैव क्लोज फैमिलियरिटी विद द पीपल ऑफ इंग्लैंड. दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन्स वेर मीन्स दे वर फैमिलियर विद मी, और दे वर फैमिलियर तो थे ही, फैमिलियर के साथ साथ थोड़ा सा लिबरल. एक रीजन जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो वो एक ये भी है, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री दैट टाइम. जो टॉप लीडर्स में आईएनसी से ये एफिलिएटेड थे, और उस समय गांधी जी के बहुत ज़्यादा क्लोज भी थे, और ये आईएनसी की तरफ से टॉप लीडर्स में इनकी काउंटिंग होती थी. और मतलब एक बात तो थी, इंग्लिश को लेकर के, इंग्लिश कल्चर को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड को लेकर के, और जो हिस्टोरिकल सेंस है इनकी, इनका जवाहरलाल जी का एक जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसा है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, वो भी था, तो वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करता था शायद. और इनका अप्रोच जो था वो एक जो गरम दल जिसको आप कहते हो, जो सरदार भगत सिंह जी वाला जो ग्रुप था और सुभाष चंद्र बोस जी वाला जो ग्रुप था, उनसे थोड़ा सा हटके इनका अप्रोच था. सो एक अप्रोच तो यही है, ही हैड अ लिबरल अप्रोच. सो द ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट लिबरल टू हिम. ठीक, सो ही स्टार्ट्स हिज डेज राइट फ्रॉम द प्रिजन. ही फर्स्ट ही वॉज कैप्ट इन बरेली सेंट्रल जेल, जो ये अपना बरेली है, इसी सेंट्रल जेल में ही वॉज कैप्ट विद गोविंद बल्लभ पंत जी. और वो टाइम ऐसा था दैट ऑल द प्रिजनर्स और पर्टिकुलरली इलीट प्रिजनर्स कुड नॉट बी कैप्ट इन वन प्लेस बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दे हैड ऑन द पब्लिक. तो उनका ट्रांसफर एक जेल से दूसरी जेल तक कॉमन था, नॉर्मल था. सो टू सम मीन्स सर्टेन ड्यूरेशन ही वॉज कैप्ट इन बरेली सेंट्रल जेल एंड देन ही वॉज मूव्ड टू देहरादून सेंट्रल जेल. तो वो वहां से स्टार्ट करते हैं, मतलब ही टॉक्स मोर अबाउट हिज डेज इन देहरादून सेंट्रल जेल. स्टार्टिंग से आप यहाँ पे टेक्स्ट, ये पूरा टेक्स्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमर्स, सो इट इज अबाउट द स्टेट्स ऑफ माइंड, वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड अ प्रिजनर कैन हैव. एक प्रिजनर के आप अप्रोच से या फिर पर्सपेक्टिव से देखते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको नोटिस करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको फेस करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जे दे देमसेल्फ कैन नॉट हेल्प नोटिसिंग एंड फेसिंग एंड सफरिंग. कई चीज़ें सफ़र करना होता है, कई सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं. सो वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड, जब कुछ नहीं होता है सो दे अंडरगो सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांजिशन, जो उनके माइंड में चल रहा होता है, दैट लीड्स टू द चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ माइंड. अगर कभी नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं सो दे बिकम स्लाइटली सैड. समटाइम्स व्हेन दे फील दैट देयर लिबर्टी इज बीइंग कन्फाइंड और कर्टेल्ड, तो उनको लगता है मतलब एक्सप्लॉइटेड. समटाइम्स दे फील हैप्पी व्हेन दे वर गिवन सम काइंड ऑफ फेवर, तो वो मतलब हैप्पीनेस की वो, हालांकि रेयर ओकेजंस होते थे हैप्पीनेस जेल में किसको होगी, लेकिन जो प्रिविलेज्ड क्लास है, प्रिविलेज्ड जो प्रिजनर्स थे, जो ए क्लास प्रिजनर्स थे, उनके लिए ये फैसिलिटीज कॉमन थी. इट वॉज नॉट अ वेरी न्यू थिंग फॉर देम और वेरी रेयर थिंग फॉर देम टू हैव टू इंजॉय. और कई बार मतलब उस कन्फाइनमेंट को, जो कन्फाइनमेंट आपको टीज करती है और आपको पिंच करती है, यू डोंट फील एट होम विद द कन्फाइनमेंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमन बींग वॉन्ट्स टू रिमेन एट हिज लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ द फिजिकल मूवमेंट एंड लिबर्टी ऑफ द थिंकिंग. अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज और भी नोटिस यहाँ पे की है पूरे ऐसे में, कि इंडियन जेल्स में जो प्रिजनर्स थे दे वर कैप्ट फिजिकली इम्प्रिजेंड
एंड मेंटली इनकार्सरेटेड ऑल्सो, दे वर बींग इनकार्सरेटेड मेंटली ऑल्सो। अब मेंटल इनकार्सनेशन क्या होता है? जब आपको कुछ भी चीज को इवन सोचने तक पे आपके रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाए, मतलब यू कैन नॉट थिंक लाइक दिस, यू आर नॉट गिवन सम इंटेलेक्चुअल मटेरियल टू हॉन योर स्किल्स और टू फील सेटिस्फाइड विद। जैसे बुक्स हुई, मैगजीन्स हुई, न्यूज़पेपर्स हुए, एक्चुअली इनका सर्कुलेशन तो वो मेंटल हेल्थ के लिए प्रिजनर्स की जरूरी होता है। द प्रिजनर्स हु फील लाइक रीडिंग समथिंग इन देयर फ्री टाइम, बिकॉज ऑल दे हैव इज अ फ्री टाइम, फ्री टाइम भी फ्री टाइम है वहाँ पे, सो दे कैन बिल्ड देयर मेंटल और दे कैन डिवेलप देयर मेंटल हेल्थ वाइल कीपिंग देमसेल्फ बिजी इन रीडिंग दिस थिंग और दैट थिंग। समटाइम्स इट कुड बी द बुक्स ऑफ इंफॉर्मेशन और द बुक्स ऑफ एंटरटेनमेंट। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई ये दिस वॉज नॉट द फेवर टू ऑल द प्रिजनर्स, ये उनको था, मतलब ही वॉज गिवन दिस फेवर, ही वॉज प्रोवाइडेड विद द बुक्स और मैगजीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वॉट ही डिजायर्ड। हालांकि इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया है कि दैट मैनी टाइम्स ही डिड नॉट गेट द बुक्स ही वॉन्टेड टू रीड, लेकिन फिर भी जो भी थी वो दैट इज अ फेवर इन इट सेल्फ, बिकॉज दिस काइंड ऑफ फेवर वॉज डिनाइड टू मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स, ऑलमोस्ट टू ऑल द प्रिजनर्स, ये फेवर भी सबके लिए नहीं था। तो द एसे इज ऑल अबाउट, एक तो आपको यही यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वॉट इज द थीम ऑफ द एसे और द चैप्टर प्रिजन ह्यूमर्स। सो इन नटशेल यू कैन वेरी वेल टेल दैट द चैप्टर प्रिजन ह्यूमर्स इज अबाउट द वेरियस शेड्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू पर्सनैलिटी वाइल ही वॉज इन प्रिजन, और इट टॉक्स अबाउट वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड और मूड स्विंग्स वेन ही वॉज इन प्रिजन। अब आपको, आप खुद ही समझ लीजिए, व्हेन यू आर कैप्ट इन अ रूम लॉक्ड लॉक्ड आउटसाइड, और उस रूम में आपको एक दिन ही पास करना पड़े विद लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब क्या है कि द ओनली थिंग दैट इज अलाउड इज अ फूड और वन और टू थिंग अदर, जो बेसिक एमिनिटीज मतलब इन ऑर्डर टू मेक यू सर्वाइव, नथिंग एल्स। और आपकी जो मेन मतलब जो क्या कहना चाहिए, जिससे आप अपने आप को एंटरटेन करते हो, वो रिसोर्सेज जैसा फोन हुआ या फिर बुक्स हुई, इस तरह का कुछ भी ना प्रोवाइड किया जाए। सो व्हाट थॉट प्रोसेस यू अंडरगो उस एक दिन में ही, आप क्या क्या आपके माइंड में जितने तरह की चीजें आती है, यहाँ पे समझ लीजिए कि ही हैड दोज थिंग्स दोज थॉट्स फॉर 2 ईयर्स। सो वो 2 ईयर्स के जितने भी स्पेशल एक्सपीरियंसेस थे दैट ही हैज शेयर्ड हेयर, बिसाइड्स हिज रिमिनेशंस ओवर दोज थिंग्स, कुछ इनकी जनरलाइजेशंस भी है यहाँ पे आपको। जनरलाइजेशन मतलब आइडियाज, जैसे अब एक आइडियाज आया कि भाई सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या, सारे ब्रिटिशर्स दे वर ऑल क्रूअल, दे वर ऑल एनिमी, और दे डिड नॉट हैव एनी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द इंडियंस एट ऑल। एक ये डाइकॉटमी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द रूल द रूलर एंड द रूल्ड, द कॉलोनाइजर एंड द कॉलोनाइज्ड, एक रिलेशनशिप तो ये है। उसी में ही फिर इनका लिबरल अप्रोच है, तो फिर इन्होंने मतलब ही हैज ट्राइड टू क्रिएट सम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द ब्रिटिशर्स ऑल्सो, बिकॉज ऑल द पीपल कैन नॉट बी एज कैलस, सम ऑफ द ब्रिटिशर्स कुड बी वेरी लिबरल। उनमें का एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिया भी है इनफैक्ट, कि सम पीपल दे वर वेरी लिबरल इनफैक्ट। तो ब्रिटिशर्स के लिए इंडियन कैसे थे उस टाइम में, इंडियंस के लिए ब्रिटिशर्स क्या था, क्या रिलेशन कॉमन जो एक जनरल एटमोसफियर में होता है वो क्या था, फिर उसके बाद में जो प्रिजन में फैसिलिटीज दी जा रही थी, वेदर दे वर ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और इट वॉज सिंपली टू रूल टू इनकार्सरेट, क्योंकि फैसिलिटीज तो कोई दी नहीं जा रही थी। फैसिलिटीज का मतलब क्या है कि इफ द पीपल, इफ द प्रिजनर्स आर गिवन बेसिक थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट फॉर पासिंग ऑफ टाइम जस्ट लाइक बुक्स एंड मैगजीन्स, यही चीज हो सकती है, और सम काइंड ऑफ मटेरियल टू राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्स विद, ये वहां पे कॉमन प्रिजनर्स के लिए नहीं थी। इनके लिए भी थी तो कई बार तो लिमिटेड उसमें ही थी, हालांकि फिर भी इनके लिए था। लेकिन ही हैज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर प्रिजनर्स, जो बाकी प्रिजनर्स थे उनका क्या, ही वॉज प्रिविलेज्ड, दैट इज अनदर थिंग, ही वॉज ही बिलोंग टू एन एलीट क्लास और ही वो ही बिलोंग टू अ टॉप लीडर्स लॉबी ऑफ दैट कंट्री फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैड बी गिवन दिस स्पेशल ट्रीटमेंट।
ऐसा भी नहीं था, क्योंकि ये एक तो रिबेलियन काइंड का इनका ग्रुप नहीं था, वो नरम दल वाला था इनका, लिबरल अप्रोच वाला था। दे वांटेड टू सॉर्ट ऑल द मैटर्स थ्रू टॉक्स, तो एकदम से लड़ाई मारने मरने वाला इनका ग्रुप ही नहीं था। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन हिज रेपुटेशन, हिज अपब्रिंगिंग, हिज सोशल स्टेटस, इन सबको ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स का जो एटीट्यूड था इनके लिए, वो दैट वॉज मतलब ही हैज एक्सेप्टेड हेयर इन दिस बुक ऑटोबायोग्राफी, वो लिबरल था। वो ऐसा स्टॉन्च टाइप का और बहुत ज्यादा एनिमिटी वाला नहीं था। ही हैड टू बी कैप्ट इन प्रिजन बिकॉज ही हैड टू बी कैप्ट इन प्रिजन। वो शायद हो सकता है कि इट वॉज अ पब्लिक स्टंट फ्रॉम द और मतलब ब्रिटिश राज, द स्टंट ऑफ ब्रिटिश राज, ये भी हो सकता है। मतलब आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर हिस्ट्री फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ऑल एजम्पशन। नेवरलेस ही हैज गिवन बोथ साइड्स, इट इज नॉट वन साइडेड अप्रोच। ही हैज गिवन जनरलाइजेशन फ्रॉम द इंडियन प्रिजनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ही हैज ऑल्सो रिटन समथिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बींग अ लिबरल पर्सन, जो इनकी फिलोसफी रही भी है। जब हमारी जो कंट्री आजाद हो गई तब के बाद में भी इनकी फिलोसफी यही रही थी, टू कीप ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और कीप ऑल द पीपल क्लोज और टुगेदर। सो ही डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एनिमिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ये इनका एक यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक, तो एक तो टॉपिक के लिए, दूसरा क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज द टॉपिक, इन व्हाट वे यू कैन जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द चैप्टर। सो इट इज अबाउट द मूड स्विंग्स और द स्टेट्स ऑफ माइंड और द मूड्स विच ही फेल्ट ही हैड ही फेस्ड ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर। तो ये एक तो आप कॉमन सी लैंग्वेज में इस तरीके से कह सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस। फिर एक कॉमन और क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, कि समराइज द एक्सपीरियंसेस और द मेन एक्सपीरियंसेस ही हैड ड्यूरिंग हिज इम्प्रिजनमेंट। ये आपकी एक तरह से शॉर्ट समरी हो जाएगी पूरे इस चैप्टर की। फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर बनेंगे तो कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस को लेकर के बन जाएंगे, जैसे कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस। इसमें आपको ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा। तो वो कुछ पैराग्राफ सेंट्रिक क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के हो सकते हैं, अगर एमसीक्यूज आए तो एमसीक्यूज के फॉर्म में, जैसे टाइटल को लेकर के मैंने बताया, उस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। और बाकी और भी जो आएंगे वो भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा। तो ये सारे जो है, आप उसको अगर टेक्स्ट आपके पास हार्ड कॉपी में हो तो उसको आप अंडरलाइन करते चले जाइए, आपको एक आइडिया रहेगा कि इन व्हाट वे यू हैव टू डेवलप योर आंसर। ठीक, इसके बाद में इन द फर्स्ट इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ही सिंपली सेज अबाउट हिज डिपार्चर फ्रॉम बरेली जेल टू देहरादून जेल एंड इन व्हाट वे ही वॉज ट्रांसफर्ड। एक ये भी यहाँ से भी आपको लग सकता है कि हाउ प्रिविलेज्ड ही वॉज फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ही वॉज ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड इन अ कार इन पब्लिक इन ऑर्डर टू अवॉइड द पब्लिक व्यू। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि भाई इट वॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड द पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू का मतलब ये है कि इफ अ टॉप लीडर इज बींग लेड इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जस्ट लाइक ट्रेन, सो सम सपोर्टर्स में ऑल्सो फील प्रोटेस्टेड और सम सपोर्टर्स में कम टू सम काइंड ऑफ मीन्स एक्टिविटी जस्ट लाइक प्रोटेस्ट और मे बी सम वायलेंस कुड अकर। ये भी पॉसिबिलिटी थी। सो थिंकिंग ऑफ ऑल दीज पॉसिबिलिटीज ही वॉज नॉट शिफ्टेड टू देहरादून प्रिजन वाया ट्रेन, ही वॉज शिफ्टेड इन अ कार। तो एक कार में उनको छुपा करके ले जाया गया। हालांकि इनको इनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस बिकॉज मीन्स फॉर मैनी डेज ही वॉज कैप्ट इन अ प्रिजन एंड ही वॉज कन्फाइंडेड। सो उस तरह का एक्सपीरियंसिस के बाद में एक राइड कार में और दूसरी जगह जाना, इट वॉज अ प्लेजेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ से इन्होंने ये स्टार्ट किया। सो ही वॉज टेकन सीक्रेटली सीक्रेटली इन ए मोटर कार एट नाइट, पर्टिकुलरली एट नाइट। ये एक सेंसिटिविटी होती है जो टॉप लीडर्स होते हैं उनके इम्पैक्ट को देख करके, मतलब द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव ऑन द पब्लिक एंड इन सच ए टेंस सिचुएशन वेयर देर आर टू पार्टीज, द फ्रीडम फाइटर्स एंड देन द रूलर। वेन द रूलर हैपन्स टू बी सम एलियन पर्सन, एलियन मतलब फॉरन पर्सन, तो इस तरह के सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोटेस्ट होना ये कॉमन हो सकता था।
और अगर इन्होंने रास्ते में ही कुछ अगर सपोर्टर्स मिलने आए और उनसे कुछ भी इन्होंने ऐसा कह दिया, मतलब दिस वाज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा कह दिया, सो इट कुड रिजल्ट इन अ प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट में फर्दर रिजल्ट इन वायलेंस ऑल्सो. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल सच पॉसिबिलिटीज ही वॉज शिफ्टेड टू देहरादून प्रिजन वाया कार एट पर्टिकुलरली नाइट. फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा. दूसरे फिर सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये फेवर, नाउ ही कैन नॉट हेल्प साइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कर्टसी दैट वॉज डन टू हिम. वो एग्जाम्पल क्या था, मीन्स जो अभी लिबरल अप्रोच की बात कर रहे थे, और ही डिड नॉट सिंपली टेल द हीनियस एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स, एक्चुअली ही ऑल्सो हैपन्स टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ गुड मैन इन ब्रिटिश आर्मी. तो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनका एग्जाम्पल वो यहाँ से बता रहे हैं, एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही हैंडेड हिम ओवर सम मीन्स अ बंच ऑफ मैगजीन्स, जर्मन मैगजीन्स, जर्मन इलस्ट्रेटेड, ये जर्मन इलस्ट्रेटेड मैगजीन्स, बिकॉज ही वॉज लर्निंग जर्मन दोज डेज. सो द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मे हैव कम टू नो अबाउट हिज लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स एंड हिज इम्पैक्ट ऑल्सो. तो जो टॉप लीडर्स होते हैं या फिर जो कॉस्मोपोलिटन या मेट्रोपोलिटन जो पीपल होते हैं, उनकी इनफैक्ट जेल में भी अच्छी खातिरदारी होती है, और जो ऑफिसर्स होते हैं इन चार्ज, उनको उनका ध्यान रखना ही होता है. तो वो कह लीजिए या फिर इनका इम्पैक्ट कह लीजिए या फिर इनका अच्छा बिहेवियर कह लीजिए प्रिजन में, बिकॉज ही वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ प्रिजनर हु कुड बी हीनियस समटाइम्स, हु कुड बी वायलेंट अदर टाइम्स, हु कुड शो टेंट्रम्स अदर टाइम्स, हु वॉज ए हीनियस क्रिमिनल. ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, दैट्स इट, ही डिड नॉट कमिट एनी क्राइम, हीनियस क्राइम. तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का अगर एटीट्यूड था तो वो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. सो वॉट ही डिड वेन ही गॉट टू नो दैट ही वॉज लर्निंग जर्मन, सो उसके हिसाब से उन्होंने जर्मन मैगजीन्स का कुछ बंच एक इनको दे दिया जाते हुए. अब ये कह रहा है कि ये दिस पर्सन वॉज नॉट नोन टू मी, आई नेवर हर्ड ऑफ हिज नेम, ही न्यू मी दैट इज श्योर, बट आई डिड नॉट नो दैट पर्सन, आई डिड नॉट सी हिम बिफोर हैंड, आई डिड नॉट नो हिज नेम, इन वॉट वे ही वॉज सो लिबरल टुवर्ड्स मी, दैट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग. हालांकि आई वॉज मूव्ड टू दिस कर्टसी दैट वॉज शोन टू मी. ये इन्होंने मतलब ही कैन नॉट हेल्प एक्नोलेजिंग दिस फ्रॉम हिज ओन पार्ट, कि भाई कम से कम ये मुझे मतलब आई हैव टू एक्सेप्ट दिस जेनरोसिटी, दिस वॉज एन एक्ट ऑफ जेनरोसिटी. दूसरी बात ये, आई डिड नॉट इवन आस्क आस्क फॉर द मैगजीन्स और द फेवर. ये जो पर्सन था, ही पर्सन ही वॉज अ ब्रिटिशर्स, एंड देन बींग अ ब्रिटिशर, बींग ऑन द अदर साइड ऑफ द फाइट, फिर भी उसने इनकी हेल्प की, हेल्प क्या, एक मतलब फेवर दिया, सो दैट वॉज वर्दी ऑफ मैंशन. तो इस सेकेंड पैराग्राफ में यही है. ये थर्ड पैराग्राफ दैट इज इंपॉर्टेंट वन, हेयर ही हैज टोल्ड द रिलेशनशिप, नाउ द रिलेशनशिप. अब उससे कर्टसी से बात आई कि भाई क्या ये रिलेशनशिप कॉमन थे, क्या ब्रिटिशर्स सारे ब्रिटिशर्स अच्छे थे, क्या सारे इंडियंस का अप्रोच जो था ब्रिटिशर्स के लिए अगर एनिमिटी वाला था, सो वॉज इट जस्टिफाइड. तो ये मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जो एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये इधर की साइड से भी उधर की साइड से भी. तो ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रेजुडिस्ड होकर के, बायस्ड होकर के, या फिर एक ग्रज्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिटिशर्स को सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही जज किया, इवेलुएट करा और प्रेजेंट किया, बिकॉज दिस वॉज गोइंग टू बी रिटन रिकॉर्ड, अभी भी रिटन रिकॉर्ड ही है ये इनफैक्ट उनके एक्सपीरियंसिस का. और ऑटोबायोग्राफी को हम क्या एक रिटन ऑथेंटिक सोर्स भी मानते हैं, जो पर्सन लिख रहा है अगर पब्लिकली उसको लिख रहा है, सो ही हैपेंस टू से समथिंग दैट इज ट्रू टू हिम, दैट हैपन ट्रूली, तो वो भी है. तो उनकी अब ये ऑफिशियल रिकॉर्ड भी है, ऑफिशियल भी है, पब्लिक भी है, सो ही हैज गिवन ऑल द साइड्स, बोथ साइड्स, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड और बायस्ड. तो एक एक्सपीरियंस यहाँ पर ये है कि इन वॉट वे द रिलेशनशिप ऑफ अ रूलर एंड द रूल्ड, ये कैसा कॉमन था, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैड टू बी, और इन सम वे इट वॉज बायस्ड. अब बायस्ड था तो किस तरीके से था, और अगर पर्सनल लाइकिंग वाला था तो किस तरीके से था. सो ड्यूरिंग दैट लॉन्ग मिड नाइट आई म्यूज, म्यूज मतलब आई थॉट
over the relationship of the Englishmen and Indians, the ruler and the ruled, the official and the non-official, ठीक, एंड द अथॉरिटी एंड दोज हु हैव टू ओबे। ये रिलेशनशिप किस तरह का था, क्या था ये? देर वॉज अ ग्रेट गल्फ दैट डिवाइडेड बिटवीन द टू, मतलब एक लंबी चौड़ी खाई थी दोनों के बीच में। इनका अप्रोच अलग रहा, बट हिज अप्रोच वॉज नॉट यूनैनिमस अप्रोच दैट टाइम पर्टिकुलरली, क्योंकि उस टाइम में एक ऐसे लोग थे, एक ऐसा ग्रुप था जो कि वो फोर्स, वायलेंस, उस रिटेलिएशन से आजाद कराना चाह रहे थे कंट्री को, और एक ये ग्रुप थे जो कि बात से बात बनाना चाह रहे थे कि भाई थ्रू टॉक्स, थ्रू नॉन वायलेंट मेथड्स द कंट्री शुड बी लिबरेटेड, एंड दे हैड फर्म बिलीव दैट द कंट्री वुड बी लिबरेटेड ओनली बाय फॉलोइंग द राइट पैथ, दैट इज द पैथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो अब इनके नजरिए से क्या था, या फिर वो खाई इनका सेपरेट नजरिया, वो पब्लिक नजरिया था, सारे लोग ऐसा सोच रहे थे या नहीं थे, हालांकि ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था। देर वॉज अ ग्रेट और डीप गल्फ बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस। वो कैसा था? टू रेसेस जैसा था, जैसा रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता है ऐसे, और रेशल टू रेसेस तो थी, दे बिलोंग टू यूरोपियन कंट्री एंड वी वर एशियन कंट्रीज, दे वर सो कॉल्ड वाइट पीपल, वी वर सो कॉल्ड ब्लैक पीपल, उनके नजरिए में हम ऑक्सीडेंट, मतलब ओरिएंटल हैं, ओरिएंटल, दे वर ऑक्सीडेंटल, वी वर ओरिएंटल, दे वर मीन्स एजुकेटेड, रिफाइंड, सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, दिस और दैट, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या है, अनकल्चर्ड, सुपरस्टिशियस, अनएजुकेटेड और अनरिफाइंड, यही इस तरह की बात है। तो वो डिवाइड जो था वो कोई नई चीज नहीं थी, मतलब जिस तरीके से प्रोटेस्ट हमारी साइड से हो रहे थे, उन्होंने उस चीज को नेगेटिव ही लिया। उन्होंने भी ऐसा नहीं कि दे कुड हैव ट्राइड टू ब्रिज दिस गैप, वो भी क्या, एक तरह से चाह रहे थे कि भाई बाय फोर्स ओनली द पीपल वुड लिसन टू अस, हेयर वी आर टू सिंपली यूज फोर्स इन ऑल द इंस्टेंसेज ऑफ रिटेलिएशन ऑफ एनी सॉर्ट, अगर किसी तरह का भी विरोध होता है तो वो सिर्फ फोर्स, वायलेंस ही हमारा जवाब रहेगा। और उसी का ही रिफ्लेक्शन ये था इंडियन साइड से, बिकॉज इंडियन के लिए तो एक पेट्रियोटिज्म भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भाई वाई द द पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्री कम एंड और द केम एंड देन द रूल्ड एंड देन दे आर रूलिंग, दे हैव बीन रूलिंग अस फॉर ओवर 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, तो ये तो फिर एक गल्फ तो वो ऑब्वियस था। तो किस तरीके ऐसा था वो, दे डिस्ट्रस्टेड एंड डिसलाइक्ड ईच अदर, क्या था, डिस्ट्रस्ट एंड डिसलाइक वॉज इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपना अप्रोच था अपने एक्सपीरियंसेस में बेस कर, कि भाई एक जनरल वे में तो आप ये समझ लीजिए कि इंडियंस हेटेड ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स हेटेड इंडियंस, ये कॉमन चीज थी। लेकिन मैं अगर सोचूं दोनों के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रल होकर के, तो उनके नजरिए से क्या था कि बोथ ऑफ देम आर इग्नोरेंट इग्नोरेंट ऑफ ईच अदर। ब्रिटिशर्स ने शायद कोशिश ही नहीं की इंडियंस को समझने की, और इंडियंस ने भी ब्रिटिशर्स को समझने की कोशिश ही नहीं की। द फेस दे शो ईच अदर इज नॉट द रियल फेस, द रियल फेस इज समथिंग एल्स विच दे कुड नॉट रिवील। यहाँ पे शायद एक दूसरे ने वो उस फेस को रिवील ही नहीं किया है, सो दे डोंट नो ईच अदर, और इग्नोरेंस ऑफ द पर्सन रिजल्ट्स इन एनिमिटी, अगर आप किसी के बारे में जानते ही नहीं हो तो वो किस में रिजल्ट होती है, कॉमनली वो प्रेजुडिस में रिजल्ट होती है। अगर आप मुझे नहीं जानते हो क्या मैं हूँ, या मैं आपको नहीं जानता क्या आप सोचते हो कैसे हो, तो वो इम्प्रेशन जो होगा मेरा, वो इम्प्रेशन से ही आप इवेलुएट करोगे, तो वो इम्प्रेशन बायस्ड भी हो सकता है, प्रेजुडिस्ड भी हो सकता है, और एनिमिटी वाला भी हो सकता है, फ्रेंडली भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको फर्स्ट इम्प्रेशन रहा होगा कि भाई ये पर्सन जो है वो ये रूड टाइप का लगता है हमें, और इस तरह की हमें इस तरह की टोन अच्छी नहीं लगती, और मतलब ये फैमिलियर टाइप का नहीं लगता है। तो वो इम्प्रेशन जो है, बिकॉज यू डोंट नो मी एक्चुअली उस फैमिलियर तरीके से, तो वो एजम्पशन जो आपकी बनी उसी को ही आप कैरी करते हो। आई ऑन द अदर हैंड मे ऑल्सो हैव द सिमिलर थिंग, अगर मैं आपको जानता नहीं कि मुझे यही लगा क्या करें ये बच्चे तो वही वही गवर्नमेंट स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं और इनको पढ़ने उड़ने का मतलब है नहीं, तो इनसे भी हमारा कोई पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग ये चीज़ें नहीं, मैं भी आपको किस तरह से समझूंगा इसी।
अब ये क्या है कि इट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन और रिस्पॉन्स इज सिंपली ऑन द फैक्ट दैट वी डोंट नो ईच अदर, रादर वी हैव सिंपली एज्यूम्ड प्रेजुडिस्ड, वी हैव बिन प्रेजुडिस्ड, वी हैव एज्यूम्ड द थिंग्स। यही शायद यहाँ पे उनको लग रहा है कि इफ ब्रिटिशर्स हैड ट्राइड टू नो द इंडियंस और इफ द इंडियंस ट्राइड टू नो ब्रिटिशर्स, थिंग्स कुड हैव बिन डिफरेंट। हालांकि ये मतलब आइडियल सिचुएशन में कहने की बात है। अब ब्रिटिशर्स 200 साल से रह रहे थे, समझने के लिए उनके पास काफी टाइम था। 200 साल कोई ऐसा छोटा वो टाइम नहीं होता है, समझना चाहते तो समझ लेते। लेकिन ब्रिटिशर्स दे केम हेयर इन आवर कंट्री नॉट टू अंडरस्टैंड द पीपल रादर टू रूल देम। अंडरस्टैंड करने आते तो रूल नहीं कर पाते डेफिनेटली। और इंडियन फिर क्यों समझेंगे? आप मेरे घर पे आकर के मुझ पर अटैक करके और मुझे इम्प्रिजन बना के रखते हो, सो आई वुड ट्राई टू गेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम योर क्लच और आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। ये एक ह्यूमन नेचर, कॉमन नेचर है। लेकिन उनका अपना एक अलग नजरिया है जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक, तो वो क्या था कि ईच साइड वॉज लिटिल एफ्रेड ऑफ द अदर। एक सेंस ऑफ फियर ये था, सेंस ऑफ फियर किस तरीके से कि अगर ब्रिटिशर्स को जरा सा लगा कि हमने अपनी क्लच जो है थोड़ी सी ढीली करी तो इंडियंस वुड प्रिवेल। इंडियंस को भी लगा कि यार इफ जो फ्रीडम स्ट्रगल इज गोइंग ऑन, सो इफ इट बिकम स्लाइटली स्लैक, स्लाइटली लूज, सो ब्रिटिशर्स वुड डोमिनेट अस मोर फोर्सफुली। तो वो फिर जगह ही गुंजाइश ही नहीं थी। इट वॉज नॉट द टाइम ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उस तरह का मौका ही नहीं था। ठीक, तो एक किस तरह का था, अपियर्ड एज ए सोर लुकिंग अनएमिएबल क्रीचर एंड नीदर रियलाइज दैट देर वॉज अ डिसेंसी एंड काइंडलीनेस। ये मतलब ये कोट करना है आपको, वेन यू टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस। तो वो इन वॉट वे ही हैज प्रेजेंटेड, क्या उनका पंडित जी का क्या व्यू है इसके ऊपर, उसकी बात है। तो वो एक दूसरे को कैसे मतलब सोर लुकिंग, सोर लुकिंग मतलब जैसा होता है ना बिल्कुल नाराज जीजा फूफा टाइप का, तो वो अब क्यों नाराज, नाराज ही है बस, ऐसी नाराज है हम, नाराज हमारा मतलब रिलेशन ही नाराजगी का है, हम नाराज ही रहेंगे या फिर ये ग्रेज्ड ही रहेंगे, ये आदमी मुझे पसंद नहीं है तो पसंद ही नहीं है। क्यों, कोई रीजन आई डोंट नो, क्यों बस मैंने कह दिया मुझे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। तो इस तरह का रिलेशनशिप था। क्यों, क्योंकि वो जानना ही नहीं है, जानने की बात छोड़ो जानना ही नहीं है, तो फिर द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ठीक, कोई डिसेंसी वीसेंसी कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड यहाँ पे थी नहीं। रूलर्स ऑफ द लैंड, अब इंडियंस ये ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को ये एहसास था दैट दे वर रूलर्स ऑफ द लैंड एंड एज सच दे हैव कीप दिस इंटैक्ट। ये चीज उनको मेंटेन करनी है, बीइंग अ रूलर और द स्टेटस ऑफ रूलर, ये उनको मेंटेन करना है, ये उनको समझ में था। और ये कैसे होगा, कैसे भी हो वैसे ही करना, मतलब अब इसमें डिसेंसी, अब इसमें फैमिलियरिटी, इसमें अंडरस्टैंडिंग, इसमें इम्पैथी, इसमें एपैथी और ये जितने भी आइडियल बातें होती हैं इनसे कोई मतलब नहीं। ये यहाँ पे आए थे और हिस्ट्री इज एविडेंट दैट यू कैन रिटेन पावर बिकॉज ऑफ द फोर्स। पावर पावरफुली ही रिटेन की जा सकती है, ये अब तक की हिस्ट्री थी ब्रिटिशर्स और इनका, यूरोपियन कंट्रीज का तो पूरा इतिहास ही ऐसा है। सब इन्वेजन अटैक्स, इन्वेजन अटैक्स, आपने पूरा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की आपको बताई थी उसमें भी आपने पूरा देखा कि वो इन्वेजन्स रिटेलिएशन अटैक रिटेलिएशन डिफेंस इसी में ही था। दिस इज हाउ दे रिटेन द पावर, दे कैप्टिवेटेड अदर कंट्री एंड देन दे मूव्ड ऑन। तो वो शायद वही वो जानते हैं वो रेस क्या है, वो वायलेंट रेस है तो वो वायलेंस को ही जानते हैं, इसलिए दे डिड नॉट ट्राई एवर टू अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो उनको यही लगा कि विद इनॉर्मस पैट्रनेज एट देयर कमांड्स इंग्लिश हैड अट्रैक्टेड देमसेल्व्स टुवर्ड्स अ क्राउड ऑफ क्रिंजिंग पीपल हंटिंग हंटर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ब्रिटिशर्स ने इसका फायदा उठाया। अब ब्रिटिशर्स, अब ये आपके ह्यूमन नेचर होता है, आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चापलूस टाइप के होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि फायदा कमाना होता है। अब क्योंकि फायदा किससे कमाया जा सकता है, जो पावरफुल होगा जिसके हाथ में सब कुछ होगा उसी से फायदा कमाया जा सकता है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि ये प्लेस हंटर्स, मतलब उनको आप राजा बना दीजिए और अपना काम करते रहिए। दिस इज व्हाट हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री, यही तो हुआ वहां पे। कुछ जो राजे रजवाड़े थे उनको ब्रिटिशर्स ने अपनी सपोर्ट दे दी और उनको कहा कि यू आर द किंग एंड देन यू रूल, एंड इन
In return, what we expect your support, at least no retaliation from your part. अब तो उनको पावर मिल गई, अंग्रेजों ने उनको राजा बना दिया, बस काम उनका हो गया। तो ऐसे लोग उनको मिले, और अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट मतलब जो मौका परस्त थे, ऐसे लोगों की भीड़ अच्छी खासी मिल गई अंग्रेजों को। दैट्स वाई दे कुड बी सक्सेसफुल, और दे कुड रिमेन सक्सेसफुल इन रूलिंग अस फॉर दिस मच टाइम, दिस लॉन्गर टाइम। एक ये रीजन भी था। ठीक, अब इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया कि ये दीज पीपल आर लाइक दैट, इनके, अब उनको समझ में आ गया कि भाई हम इनके कंट्री में आकर के एक विदेशी होने के बावजूद भी इनको रूल कर रहे हैं। एंड मैनी टाइम्स वी इनफैक्ट डू वायलेंस ऑल्सो, कई बार टॉर्चर भी करते हैं, और इन्हीं के कुछ लोग हमारी चापलूसी कर रहे हैं। सो दीज पीपल डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ फ्रीडम। अब उन्होंने क्या ओपिनियन बनाया, द जज्ड इंडिया फ्रॉम दीज अनसेवरी स्पेसिमेंट्स, ये दीज अनसेवरी स्पेसिमेंट्स आर दिस। अगर ये क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अब ये लाइन दे दी गई, उसमें पूछा गया कि व्हाट डज दिस अनसेवरी स्पेसिमेंट्स रिफर टू, अनसेवरी स्पेसिमेंट्स का मतलब क्या है, किन को रिफर किया गया है। तो इसमें जो आंसर होगा वो प्लेस हंटिंग या ऑपोर्चुनिस्ट, या द पीपल हु वर साइकोफेंट, द पीपल हु वर हिपोक्रिट, द पीपल हु वर ग्रीडी, ये वाला जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर इसमें हो जाएगा। इंडियन का क्या पर्सपेक्टिव था, इंडियन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो क्या है ये, इंडियन सॉ द इंग्लिश मैन फंक्शन ओनली एज एन ऑफिशियल विद द इनह्यूमैनिटी ऑफ द मशीन। इंडियंस के लिए ये क्या थे, दे वर एलियन पीपल, फॉरनर, दे वर कॉलोनाइजर, देवर रूलर, देवर क्रूअल पीपल, तो वो इन ह्यूमैनिटी, और क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा था उनके पास ग्राउंड, जैसे इनके पास ग्राउंड थी ये ओपिनियन को करने के लिए, इंडियंस के पास भी ग्राउंड थी कि भाई वाई दीज पीपल आर नॉट टू बी लाइक्ड, नॉट टू बी सपोर्टेड, बिकॉज वॉट वी हैव फेस्ड हैज बीन द वायलेंस। इनके हाथ हमें क्या मिला है, वायलेंस ही तो मिली है, अब तक वायलेंस ही ये करते चले जाए, तो ये क्रूअल, बार्बरस और इनह्यूमन पीपल हैं। दीज पीपल दे डोंट डिजर्व एनी फ्रेंडली फ्रेंडली रिस्पॉन्स फ्रॉम आवर साइड। तो ये रिलेशनशिप था दोनों के बीच में। ठीक, तो विद ऑल द पैशंस ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट ट्राइंग टू प्रिजर्व इट सेल्फ, इनको ये लगा कि एक एक मशीनरी है दैट वर्क्स, एंड दैट मशीनरी इज ओनली टू मेक प्रॉफिट, मेक मनी एंड टू रिटेन पावर। दीज पीपल आर नॉट हेयर टू अंडरस्टैंड अस और टू डू सम ह्यूमैनिटी टू अस और टू रेज आवर स्टैंडर्ड टूवर्ड्स द ह्यूमैनिटी और दिस आइडल थिंग्स और दैट आइडल थिंग्स, इनका मतलब ही नहीं था। इनको समझ में आ गया कि अंग्रेज हैं यहाँ पे, ये एक्सप्लॉयट करने के लिए आए हैं, एक्सप्लॉयट ही करते रहेंगे। सो हमें एक ही मतलब है इनसे बचने का, वो क्या है, प्रोटेस्ट, स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर द रिटेनमेंट, रिटेनिंग ऑफ पावर। ये एक आपका कॉमन आ गया। ठीक, अब उसके सेंस में यहाँ पे एक कॉन्क्लूजन और आया है कि भाई मतलब इन व्हाट वे आई शुड कंसीडर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आई हैव फेस्ड बोथ काइंड्स ऑफ पीपल, अंग्रेजों में भी मुझे दोनों तरह के लोग मिले, सम पीपल जस्ट लाइक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब ये क्या मतलब हुआ कि मुझे पर्सनल फेवर कर दिया, तो मेरी सोच उन सारे लोगों के लिए बदल जाएगी जिन्होंने बाकी मेरे कंट्री मैन के लिए बहुत बुरी सोच रखी। तो ये तो कहीं थोड़ा सा इस बात में तो मजा नहीं आया कि जवाहरलाल नेहरू जी की सोच एक बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो बंदा हो सकता था कि बाकी प्रिजनर्स के साथ बहुत कैलस बिहेव करता हो, सिर्फ पंडित जी के साथ वो मैगजीन दे दी, तो दैट डज नॉट मीन्स नेसेसरली मीन दैट ही इज अ गुड मैन, गुड मैन हो भी सकता है लेकिन दैट डज नॉट हार्म ऑल द इंडियंस, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो हो सकता है क्लास 3 क्लास 2 के प्रिजनर्स के लिए और ज्यादा बहुत ज्यादा वायलेंट तरीके से बिहेव करता हो, तो वो एक मिक्स तरीका है, उनकी खुद की अप्रोच है। एनीवे इसके बाद में हम इसमें जो थर्ड पैराग्राफ है, ये तो ये हुआ, फिर ओपिनियंस हो गए, ओपिनियंस आपके ये आ गए यहाँ पे, फिर आपके आती है इन व्हाट वे ही फील्स हिमसेल्फ फॉर्चुनेट इस वाले पैराग्राफ में, कि भाई मुझे लगता है कि आई वॉज द फॉर्चुनेट पर्सन। फॉर्चुनेट किस सेंस में, क्योंकि जिस तरह का ट्रीटमेंट मुझे मिला वो ट्रीटमेंट मुझे जस्ट सजेस्ट करता है कि दैट आई वाज फॉर्चुनेट। क्या था वो,
ये यहाँ पे एज सुन एज वन बिगिंस टू थिंक ऑफ द अदर साइड एज अ मैस और अ क्राउड द ह्यूमन लिंक सीम्स टू गो. वी फॉरगेट दैट क्राउड्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन. वी लव एंड हेट एंड सफर. एन एवरेज इंग्लिश मैन एज ही वॉज फ्रेंक वुड प्रोबली कन्फेस दैट ही नोज सम क्वाइट डिसेंट इंडियंस बट दे आर एक्सेप्शन एंड एज अ होल इंडियंस आर डिटेस्टेबल क्राउड. ये तो उन्होंने बता ही दिया कि भाई अगर हम सारे लोगों को इंडिविजुअल समझने लगे तो हो सकता है कि वी वुड हैव सम डिफरेंट ओपिनियन अबाउट देम. लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा सीन था नहीं. यहाँ पे सारे लोगों को भीड़ समझा जा रहा था. ब्रिटिशर्स की साइड से भी इंडियंस वर द इंडियन क्राउड और इंडियन की साइड से भी क्या ब्रिटिशर्स वर द बंच ऑफ क्रूक्स एंड हीनियस पीपल एंड द क्रूअल पीपल हु हैव कम हेयर टू रूल अस टू डोमिनेट अस टू अटैक अस टू डिप्राइव अस ऑल द राइट्स ऑफ ह्यूमैनिटी. अगर वो इंडिविजुअलिटी सोचने का वो टाइम ही नहीं था. ये तो आइडियल बातें हैं. वो टाइम ऐसा नहीं होता जब आप इंडिविजुअल होकर के सोचो. इंडिविजुअलिटी को पहले रख करके सोचो. ये तो एक आइडियल बात है कि भाई ऐसा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए था. इफ द पीपल थॉट फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू टेकिंग द पीपल नॉट एज अ क्राउड बट एज अ पर्सन. आप बंदों को बंदे समझ के यूज करते कि भाई ही इज अ मैन एंड शी इज अ वुमन एंड देन द चिल्ड्रन एंड द ओल्ड मैन एंड देन दे डिजर्व दिस सेपरेट टेम्परमेंट सेपरेट रिस्पॉन्स सेपरेट ट्रीटमेंट तो बात कुछ और होती है. लेकिन ये बात है सुनने में अच्छी लगती है पढ़ने में अच्छी लगती है. लेकिन दिस कुड नॉट बी दैट कॉन्टेक्चुअल पर्टिकुलरली एट दैट टाइम व्हेन वी आर फेसिंग दिस कॉलोनाइजिंग पीरियड फॉर द लेंथ ऑफ टाइम 200 साल लगभग उस गुलामी को जो फेस कर रहा हो. तो वहां पर इस तरह की कंसिडरेशन शायद कम ही आती है कम ही सुनने को मिलती है. एनीवे ठीक यहाँ पे फिर क्या हुआ. हाँ ये हुआ इसके बाद में अपने हाउ फॉर्चुनेट ही वॉज. पहली लाइन से लिखा है कि पर्सनली आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑलमोस्ट इनवेरिएबली आई हैव रिसीव्ड कर्टसी फ्रॉम माई ओन कंट्री मैन एज वेल एज फ्रॉम द इंग्लिश. मतलब फॉर्चुनेट किस सेंस में. दोनों हाथों में लड्डू होने वाली बात. लिबरल अप्रोच का यही मतलब होता है दोनों हाथों में लड्डू. ही वॉज फेवर्ड बाय द कंट्री मैन हिज ओन कंट्रीमैन इंडियंस एंड देन ही वॉज ऑल्सो फेवर टू सडन एक्सटेंट बाय द ब्रिटिशर्स ऑल्सो. द फेवर द एग्जाम्पल ऑफ फेवर कैन बी टेकन फ्रॉम दिस एक्सेप्ट ऑल्सो. इस ऐसे से आप समझ सकते हो कि किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा था. इट वॉज मोर अ हाउस अरेस्ट विद ऑल द फैसिलिटीज इंटैक्ट रादर देन एन इम्प्रिजनमेंट. ये एक स्पेशलाइज और सिलेक्टिव अप्रोच था एलीट क्लास के लोगों के लिए या फिर जो डोमिनेंट थे जो पावरफुल थे. और बाकी जो ट्रीटमेंट था वो कॉमन था वही. अभी इसके बाद में भी ये बताएंगे कि किस तरीके से उनका बाकी इंडियंस के लिए अगर एज फार एज लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाए इम्प्रिजनमेंट में ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो वो ब्रिटिश राज में इंडियन स्टेट्स और इंडियन प्रिजन की स्टेट्स बहुत डिप्लोरेबल थी. अगर उसको यूएसए की प्रिजन से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे चॉइस थी नहीं. यहाँ पे इट वॉज अ कंप्लीट डिनाइल. एक बात हो सकती है सेंसरशिप कि भाई ये चीजें मिल जाएंगी तुम्हें ये चीजें नहीं मिलेंगी. ये वाली बुक्स मिल जाएंगी पढ़ने के लिए ये वाली बुक्स नहीं मिलेंगी. अरे यहाँ पे ये चॉइस ही नहीं थी. यहाँ पे तो ये था कोई बुक नहीं मिलेगी तुम्हें. नो न्यूज पेपर नो बुक नो मैगजीन नो राइटिंग मटीरियल यू विल रिमेन एज सच. यानी कि आपका जो मेंटल इनकार्सरेशन जो होता है इनकार्सरेशन उसकी तैयारी थी पूरी. मतलब आप फिजिकली गुलाम और मेंटली भी आप कुछ अपनी अवेयरनेस के लिए या फिर एनलाइटनमेंट के लिए कुछ सोच भी ना पाओ. आप दम पे दम और फ्रस्ट्रेट हो. आपकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा गिरती चली जाए. ये पूरी तैयारी इन्होंने यहाँ पे क्या कहा एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पे ये करते चले जा रहे थे. ठीक एक ये वर्ड आता है कई बार आता है ये द प्रोनंसिएशन इज जेल. ये ओल्ड फॉर्म है किसकी जेल GAOL. ये गोल गाउल या इस तरह का कुछ मत पढ़ना इसको. द प्रोनंसिएशन इज जेल. ये कई बार इनफैक्ट PGT TGT में ये एक दो बार आया भी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. तो ये इट रिफर्स टू कन्फाइनमेंट जेल. जेल का ये ओल्ड वर्जन है. पहले इसको जो अब मॉडर्न वर्जन क्या है जेल इसका ओल्ड वर्जन क्या था ये GAOL जेल.
जेल के लिए इन्होंने पूरी इस ऐसे में यही वर्ड यूज किया है कंटिन्यूली। एक ये राइटिंग स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हो। ये देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट जवाहरलाल नेहरू की इंग्लिश अनडाउटेडली बहुत अच्छी थी, तो उनके स्टाइल में एक यूनिफॉर्मिटी आपको मिलती है। जिस तरह का भी स्टाइल, जिस तरह का भी आपको वर्ड सिलेक्शन है, वो कंसिस्टेंट मिलेगा। अगर आप कुछ डिफरेंट भी बात करते हो या डिफरेंट भी तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हो, कंटिन्यूअसली वैसे ही करिए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड राइटिंग स्टाइल। अदरवाइज कई जगह यहाँ पे ये वाला जेल यूज करते, एक दो जगह ये वाला जेल यूज करते, तो फिर वो चीजें कंफ्यूजिंग होती। इट वॉज नॉट अबाउट यूजिंग सिनोनिम्स, इट वॉज अबाउट गेटिंग कन्फ्यूज और क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। तो वो एक ल्यूसर, अभी यहाँ पे आप पढ़ोगे इनका तो स्टाइल अनडाउटेडली द स्टाइल इज वेरी मतलब रिफाइंड। जो उनकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज ईजी, वेरी इजी, एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी इजी। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेज इन्होंने यूज नहीं किए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेज यूज नहीं किए हैं। वोकेबलरी अभी तक आप यहाँ तक पढ़ोगे तो एक दो वर्ड्स हो सकता है कि अनफेमिलियर से साउंड हो, तो वो फैमिलियर वर्ड्स में ये एक होता है स्टाइल, अच्छा स्टाइल। इट डज नॉट मीन दैट ही डिड नॉट नो द अनफैमिलियर वर्ड्स इंग्लिश में, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़े हुए थे तो इनकी वोकेबलरी अनडाउटेडली बहुत हाई क्लास की होनी चाहिए थी, और थी। लेकिन जो आप पब्लिक के लिए लिख रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी एज सिंपल एज दैट। जितना सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुंचेगी, ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। इफ योर स्टाइल इज सो डिफिकल्ट दैट ओनली अ सर्टन पीपल कैन अंडरस्टैंड, सो यू आर नॉट अ गुड राइटर। वो गुड राइटिंग की निशानी नहीं है, वो एक एकेडमिक राइटिंग हो सकती है, मतलब दैट इज अ कंसर्न फॉर ओनली फ्यू पीपल, कुछ लोगों के लिए मतलब का हो सकता है, बाकी सब लोगों के लिए नहीं। इस वाले पैराग्राफ में दैट ही हैज गिवन द फेवर्स दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज मीन्स दिस पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें आप समझिए, इसमें कोई खास बात, हाँ, तो जेलर्स, दिस इज ऑल्सो जेलर रादर देन गोलर और गोल। ये मतलब गोल नहीं है, जो गोल फुटबॉल वाला होता है उसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है, ठीक। तो ये यहाँ पे इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में ये दिया। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। डिस्पाइट ऑल दीज एडवांटेजेस दैट आई हैड, जेल वॉज जेल। अब यहाँ पर जो जेल के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स मतलब व्हाट यू फील बीइंग इन अ जेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एडवांटेजेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बेनिफिट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फेवर्स दैट यू रिसीव्ड, इट वॉज जेल नेवरदलेस विच ही हैज एक्सेप्टेड। जेल तो जेल ही होती है, चाहे उसको आप बहुत बढ़िया फैसिलिटीज मिल रहा है, कितनी भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो जेल ही रहेगी। ये आप नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है और आपको बंद कमरे में छोड़ दिया जाए, उसमें पूरी दुनिया की सारी कंफर्ट्स हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं चाहोगे कि भाई ये मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया जाए। वी वॉन्ट द फ्रीडम, फ्रीडम इज द बिगेस्ट कंफर्ट दैट वी सीक, दैट वी वॉन्ट। इफ देर इज नो फ्रीडम, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम फॉर अस, एंड ऑन द अदर हैंड वी आर गिवन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी, सो दीज लग्जरी, दीज कंफर्ट्स डोंट मीन एट ऑल। अगर वो सोचने की आज़ादी या फिर मूवमेंट की आज़ादी ना हो तो ये यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यार जेल तो जेल ही थी भाई। अब उसमें अगर मैं ये एक्सेप्ट भी कर लूँ कि आई वॉज फॉर्चुनेट, आई वॉज गिवन फेवर्स, इंग्लिश पीपल दे वर मीन्स कंसिडरेट टू सर्टन एक्सटेंट टूवर्ड्स मी, आई वॉज गिवन वॉट आई रिक्वायर्ड, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहोगे तो जेल ही होती है भाई, उसमें क्या है। और ये जेल उन लोगों के लिए, कम से कम उन लोगों के लिए जो सेंसिटिव टाइप के हैं, जो छोटी छोटी चीजें ट्रिक करती हैं, पिंच करती हैं, छोटे छोटे जो हैरेसमेंट्स टाइप की, या फिर आप वेन एवर यू फील सैड एंड देर इज नो कंफर्ट, इज अ टेंशन, इज अ स्ट्रेस इन इट सेल्फ। आप कुछ करना चाह रहे हैं एंड देन द थिंग डज नॉट मैटर एट ऑल, एंड देन दैट थिंग इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। बहुत मामूली सी चीज करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको कह दिया जाए ये नहीं करना है, तो फिर मतलब क्या फील करोगे आप? यू फील मेंटली इनकार्सरेटेड। तो वो इनकार्सरेशन के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब आपके किलिंग ऑफ योर थॉट प्रोसेस, मेकिंग यू कंप्लीटली मेंटली स्लेव। तो मेंटल स्लेव बनाने की बात हो जाती है जब आपको सोचने तक की आजादी वहां पर।
ना हो। तो कह रहे छोटी छोटी बात पे वहां पे प्रिक करती थी। एक अगर आपको लेटर रिसीव हुआ एंड देन देर इज समथिंग अनहोलसम इन द लेटर, यू रिमेन एब्सेंट फॉर द लेंथ ऑफ टाइम। पूरे दिन आपका अजीब सा टेंशन रही। अगर न्यूज़पेपर में आपने कोई ऐसी सेंसिटिव न्यूज सुन ली तो जेल में बैठे बैठे अजीब सा मूड हो जा रहा है, वहां पे अजीब सा स्ट्रेस हो जा रहा है। कोई भी ट्रिवियल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें भी अपसेट कर देती हैं, क्योंकि आप एक होलसम जो मेंटल हेल्थ वाला एटमोसफियर होता है दैट वॉज नॉट गिवन टू यू दैट टाइम। आप वैसे ही एक बहुत सेंसिटिव से एटमोसफियर में रह रहे होते हो, सो वहां पे ये चीजें थी। और ये चीजें आई हैड फेस्ड ओवर द 2 ईयर्स, ओवर द स्पैन ऑफ 2 ईयर्स। ऐसा नहीं था, रोज की बात नहीं थी ये, मतलब कभी कभार की बात नहीं थी, ये रोज की ही बात थी। सो जेल वॉज जेल, ये यहाँ पे इसका पूरे इसमें आप समझ लीजिए। इलनेस वॉज जेल, जेल वॉज इलनेस इट सेल्फ, जेल वॉज अ मेंटल स्लेवरी इट सेल्फ। और छोटी छोटी चीजें भी आपको स्ट्रेसफुल करने में पूरा कंट्रीब्यूट कर सकती थी। इस पैराग्राफ में यही है। एंड इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भी आप देखोगे, इस वाले में यहां पर एंड येट वाला है, एंड येट आई मैनेज्ड। अब फिर भी आपको क्या है कि इट टेक्स और इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मोटिवेशन टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल दीज डिनाइग्रेटिंग इफेक्ट्स। जो छोटी छोटी बात के स्ट्रेसिंग इफेक्ट्स होते हैं उनसे अपने आप को दूर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, मोटिवेशन भी होता है इनफैक्ट। ये कह रहे थे कि भाई इसके सबके बावजूद भी, ये छोटी छोटी बातें, ट्रिवियल इंसिडेंट्स, उन सबके बावजूद भी अपने आप को फिट रखना, अपने आप जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको इंटैक्ट रखना, बिकॉज ही वॉज नॉट सिंपली टू टू पास दिस टर्म, टू सर्व दिस टर्म। ऐसा नहीं था सजा काटने के लिए आए थे, इनका यही था कि भी बाहर निकलने के बाद में जो मेरा रोल था एज ए फ्रीडम फाइटर उसको कैसे आगे ले जाना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये सजा तो ऐसे कोई क्राइम तो करके आए नहीं थे जो इनको सजा का इंतजार रहता। ये बात थी कि किस तरीके से वुड आई बी द सेम पर्सन व्हेन आई केम हेयर बिफोर, जब मैं जाऊंगा सो लोग और एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे साथ खड़े होंगे, क्या वो एक्सपेक्टेशंस रियलाइज हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। तो ये एक अलग सोच थी। खैर इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए मुझे फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी था। उसके लिए मैंने एक काम किया, ये बात होती है मतलब इन व्हाट वे यू कैन फेस हार्डशिप्स एंड कीप योर इक्विलिब्रियम इन इंटैक्ट। ये बड़ी बात होती है जब आप एडवर्स सिचुएशन में हो और फिर भी अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी पर्सनैलिटी को एज इट इज मेंटेन करके रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि भी मैं फिट रखने के लिए अपने आप को वो सारी चीजें जो डेली रूटीन था उसको कॉन्शेंशियसली फॉलो करता था, मतलब लिटरली उसको फॉलो करता था। वो एक चीज करनी है तो करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने बताया शेविंग का, कि मैं शेव रोज करता था, वो एक डेली रूटीन था। तो उसको ऐसा नहीं कि छोड़ दी, जेल चले गए तो आपने देखा होगा बॉलीवुड की मूवीज में, जेल गया आदमी अंदर आ रहा बाबा बन के, गया पूरा क्लीन शेव और बाहर जब आ रहा है तो पूरा बाबा बन के आ रहा है, पूरी दाढ़ी उसकी हाइट से लंबी दाढ़ी हो रखी है, बाल झबरे हो रखे हैं और अजीब सी शक्ल उसकी हो रखी है। बाहर आकर के वो शेविंग वेविंग करता है एज इफ देर वॉज नो प्रोविडेंस, नो प्रोविजन ऑफ शेविंग इन साइड द प्रिजन। तो वो कह रहा है ऐसा मुझे कुछ नहीं करना था, मतलब इट वॉज अ जेल सो वी कुड परफॉर्म ऑल आवर डेली चोर्स। तो जो डेली हैबिट्स होती है उनको रखने में या इंटेक्ट करने में कौन मना करता है, ये तो है ही, नित्य क्रम है तो वो तो करनी है। तो वो मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए और मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए वो अपने पूरा स्केड्यूल जो था मेरा, पूरा डेली रूटीन जो था उसको गड़बड़ होने नहीं दिया। और दिन भर मेहनत करना, चाहे वो फिजिकली हो या चाहे वो मेंटली हो, उस मेहनत करना इतना कि शाम को नींद अच्छे से आ जाए। दिस इज वॉट हेल्प मी इन पासिंग दिस टफ टाइम इन जेल। ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। फिर कह रहे कि भाई इसी तरीके से फिर टाइम पास हो ही रहा था, टाइम कट ही रहा था, और क्या क्या टाइम था इसमें। लेकिन ये बात थी कि जो लिंगरिंग इफेक्ट होता जेल का और जो उसकी साइकी पर इफेक्ट रहता जेल में बंद रहने का, आपकी फ्रीडम जब कर्टेल हो जाती है उसका इफेक्ट आपके ऊपर क्या रहता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको कि वो यहाँ पे कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। मतलब एंड सो द डेज पास इन द वीक्स एंड द मंथ्स, बट समटाइम्स द मंथ वुड स्टिक टेरिबली, वुड नॉट एंड सो इट सीम्ड। कई बार तो मुझे लगता था कि नॉर्मल रूटीन से चीजें पास हो रही, टाइम पास हो रहा है, लेकिन कई बार
जब आपको अपनों की याद आती है या फिर अपनी जो आपका एम था लाइफ का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है, तो वो टाइम कटता नहीं, तो ही एक्सप्रेसेस हिज एगोनी, हिज पेन ऑफ फीलिंग, ऑफ इन्यूई बोर्डम और कन्फाइंड। कई बार तो चलो लगता है जैसे तैसे टाइम विल गो ऑन एंड इट विल पास, बट समटाइम्स ही फेल्ट वेरी लोनली, वेरी लोनली, वेरी हेल्पलेस, कि यार जो पर्पस था वो पर्पस शायद रियलाइज नहीं हो पा रहा है। तो वो इट्स अ बिग इशू, इट्स बिग इशू एंड इट नीड्स टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। ठीक, तो उसके बाद में फिर क्या हुआ कि इंटरव्यूज, जो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, ये इंटरव्यूज, इंटरव्यूज केम टू हिज रेस्क्यू। इंटरव्यूज कह रहा है, इंटरव्यू वॉज द टाइम ऑफ रिफ्रेशमेंट। इंटरव्यू मतलब कैसा है, जो मिलाप होता है जेल और जो क्या कहते हैं प्रिजनर्स होते हैं, प्रिजनर्स से जो बाहर के लोग आते हैं मिलने के लिए। अब इट वॉज नॉट अ मेयरली इंटरव्यू बाय और मेयरली विजिट बाय सम पर्सन ही न्यू, ये क्योंकि कॉस्मोपोलिटन आदमी थे, मेट्रोपोलिटन आदमी थे, इम्पैक्ट इनका पूरे नेशन वाइड था। तो कई बार मीडिया पीपल, कई बार इंग्लिश की तरफ से, इंग्लिश पीपल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स, कई बार इनकी जो खुद की पार्टी आईएनसी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, समटाइम्स फैमिली वाले। तो वो इंटरव्यूज भी कह रहे हैं कि वो कई बार अच्छे नहीं होते, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो आपको पूछ रहे हैं जिनके मतलब यू डोंट फील कंफर्टेबल इन आंसरिंग दोज क्वेश्चंस। ऐसे भी अक्सर मौके बहुत बार आए और उससे ये फ्रस्ट्रेट होकर के इन्होंने क्या किया, इंटरव्यू करना छोड़ दिया। मतलब ही डिड नॉट अटेंड एनी विजिटर एट ऑल थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वो ही फेल्ट इरिटेटेड बाय द क्वेश्चन दे आस्क ड्यूरिंग दोज इंटरव्यूज। इसमें ये है, इसके बाद में इंटरव्यूज इन्होंने फिर क्या किया, ही गेव अप द इंटरव्यूज, ही रिफ्यूज टू अटेंड द विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, कि भाई मैं कोई इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं दूंगा, बिकॉज आई फील और आई एक्सपेक्ट दैट दे वुड रिफ्रेश मी, दे वुड मेक मी फील हैप्पी, कुछ अपनी बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन वो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो इरिटेट करते हैं, जिनके आंसर्स शायद मेरे पास नहीं है या फिर कॉन्टेक्चुअल नहीं है, जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उन क्वेश्चन को आंसर करने में। सो आई एम कंपेल्ड टू आंसर दोज क्वेश्चन एंड एज सच आई रिफ्यूज टू गिव इंटरव्यूज। अब वो एक मिक्सड फीलिंग थी, अच्छे भी थे उसमें बुरे भी थे, लेकिन हो सकता बुरे ज्यादा हो तो इसलिए ही रिफ्यूज द इंटरव्यूज। उसके बाद में क्या, लेटर करस्पॉन्डेंस, हिज टू सिस्टर्स वर ऑल्सो इन प्रिजन समवेयर एल्स, सो ही वॉज अलाउड टू हैव कम्युनिकेशन करस्पॉन्डेंस विद दोज टू सिस्टर्स। तो वो उनके लेटर्स, घर वालों के लेटर्स, समटाइम्स वो आना कह रहे कि बहुत ज्यादा सूदिंग मेरे लिए था। तो इस वाले में ये लेटर का करस्पॉन्डेंस वाला है। फिर इंटरव्यू वाली बात, व्हेन इंटरव्यू स्टॉप्ड एंड फोर्टनाइटली लेटर्स फ्रॉम होम केम, एंड सम फ्रॉम अदर जेल्स, सम फ्रॉम माय पीपल, सम फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स। तो ये था, लेटर राइटिंग एंड रिसीविंग इन जेल वर ऑलवेज सीरियस इनकर्जेंस। उसके लिए भी यहाँ पे कहा है कि इनकर्जेंस, सीरियस इनकर्जेंस, इनकर्जेंस क्या होती है, सीरियस अटैक्स, इनकर्जेंस मतलब कई बार तो लेटर आना, मतलब यू आर पाइनिंग फॉर द कंपनी ऑफ समवन एंड देन द लेटर कम्स, करस्पोंडेंस इज देयर बट द करस्पोंडेंस मेक्स यू मोर सैड देन हैप्पी, बिकॉज यू फील नॉस्टैल्जिक, आपको उन लोगों की और ज्यादा याद आती है। तो वो हो सकता है कि वो और आप आपको ये लगा कि यार इससे अच्छा तो नहीं होते, क्योंकि कम से कम वो अपने आप को अपने सेटिस्फाई किया था, अपने मन का किया था कि भाई विल मीट ओनली बाय द एंड ऑफ दिस पैसेज ऑफ टर्म, जो ये 2 साल का टाइम है उसके बाद मिलेंगे। तो वो जो फीलिंग्स है वो डाइल्यूट हो जाती है, वो इंटेंसिटी जो है वो डाइल्यूट हो जाती है, लेकिन आप बार बार कम्युनिकेशन हो तो वो डाइल्यूट होने नहीं देती वो चीज़ों को। तो वो कह रहा है कि वो कई बार क्या था कि बड़ा मतलब साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा अटैकिंग था वो, मतलब आप फील कंफर्टेबल फील करना भी चाह रहे हो या फिर अपना मन समझाने समझा करके लाए हो और फिर भी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके बाद में नैनी प्रिजन एंड बरेली जेल, ये वाला, इन नैनी प्रिजन एंड बरेली जेल आई हैड सेवरल कंपेनियंस। यहाँ पे कंपेनियंस के बारे में बात की गई है, कौन कौन से कंपेनियंस थे, तो कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कंपेनियंस थे, एक तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे ही, उसके बाद में कुंवर आनंद सिंह ऑफ काशीपुर, ही वॉज ऑल्सो विद देम एंड ही, मतलब इनिशियली देर वर 3 पीपल। उसके बाद में पंत जी का टर्म पूरा हो गया, 6 महीने की जेल उनकी जो थी वो पूरा हो गया, ये फिर अकेले रह गए। फिर वो कह रहा है अकेला पन जो था वो फिर प्रिक करने लगा, एंड एज ए रिजल्ट आई रिज्यूम्ड
इंटरव्यूज। फिर वही होती है कि जो चीज आपको परेशान कर रही थी आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन आपका काम उसी चीज से चल रहा है, सो यू स्टार्ट अगेन। तो फिर उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिए। अब एक इंटरव्यू के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड ही स्टॉप एंड स्टार्ट इंटरव्यूज। तो ये ओपिनियन बेस्ड है, ये आपको पढ़ने के बाद में ओपिनियन लग जाएगा कि भाई इनिशियली व्हेन ही एक्सेप्टेड द इंटरव्यूज और ही कंसेंटेड फॉर द इंटरव्यूज, सो सम ऑफ द इंटरव्यूज वर वेरी रिफ्रेशिंग फॉर हिज पार्स्ड सोल। सम इंटरव्यूज वर वेरी इरिटेटिंग बिकॉज पीपल आस्क्ड अनहोलसम क्वेश्चंस, द क्वेश्चंस व्हिच ही डिड नॉट फील लाइक आंसरिंग और द क्वेश्चंस व्हिच ही वाज नॉट कंफर्टेबल इन आंसरिंग। ऐसे तरह के क्वेश्चंस थे तो इसलिए ही रिफ्यूज्ड इंटरव्यूज। लेकिन बाद में जब वो नैनी लेक सॉरी नैनी जेल में व्हेन ही फेल्ट क्वाइट लोनली, फिर क्या देखा जाए कि यार वही जो प्रैक्टिस चल रही थी एटलीस्ट देर वॉज सम हैपनिंग्स, इंटरव्यूज भी थे तो कम से कम कुछ तो चल रहा था लाइफ में। अब यहाँ पे बिल्कुल अकेला, तो कुछ अनइवेंटफुल लाइफ है, तो कुछ तो होते रहने चाहिए, सही गलत कुछ तो होना चाहिए। लाइफ शुड बी इवेंटफुल रादर देन अ बेड ऑफ बोर्डम। तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पड़े रहो तो पड़े रहो, कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, उल्टा सीधा ही सही। तो यहाँ पे फिर उन्होंने क्या किया, अलाउ कर दिया कि फिर कोई बात नहीं इंटरव्यूज देंगे, इंटरव्यूज। तो यहाँ पे ये, फिर इसके बाद में ये वाला जो था पूरा पैराग्राफ ये, फिर वन बिगिंस टू, ये वाला देखिए, वन बिगिंस टू अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ छोटी थिंग्स। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और भी कही थी कि कैसे प्रिजन के अंदर छोटी छोटी चीजें भी आपको एक सेंस ऑफ ऑनरशिप, और वो रिस्ट्रिक्शन थी वहां पे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने अपने टूथब्रश, टूथपेस्ट और शेविंग जो किट है वो, या फिर बुक्स, उनको अरेंज करके रख दिया, तो जेलर्स और जेल अथॉरिटी डिड नॉट लाइक देम। ये एक अलग सी ही खुंदक थी, ये अलग से ही प्रेजुडिस थी। मतलब क्या है कि जेल में रहोगे तो आप बिल्कुल अनटाइडी झवरे पवरे टाइप के बने हुए रहो, और जेलर टाइप मतलब कैदी टाइप के लगो। आप अगर अप टू डेट बन के रह रहे हो या फिर खुश फील कर रहे हो तो सामने वाले को लग रहा है, इरिटेट वैसे हो रहा है कि इसको रखा तो दुखी फील करने के लिए था, ये फिर भी हंस रहा है। ये एक अलग तरह की इरिटेशन होती है, अलग तरह की चिड़ होती है। कह रहा कि ये भी वहां पर अलाउड नहीं थी कि भाई कोई अगर टाइडी बन के रहे और बिल्कुल नहा धो के फ्रेश होकर के और अपना मतलब खुश रहना चाहे, बातचीत करना चाहे, तो वो दैट वॉज नॉट अलाउड हेयर इन द प्रिजन। ये एक अलग तरह की चिड़ यहाँ पे लोकल जो अथॉरिटीज हो सकती है उनके लिए थी। तो मतलब क्योंकि सेंस ऑफ ऑनरशिप हर किसी की इनहेरेंट होती है, आप हर कोई कुछ ना कुछ चीज पजेस करना तो चाहते ही है, छोटी से छोटी चीज लो। अब जेल में तो ऐसा है नहीं कि आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वहां पर खरीद कर अपने नाम कर लोगे, या फिर बहुत बड़े टीवी वीवी और बहुत सारी चीजें गैजेट्स आप कर लोगे। जेल में तो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकती है, न्यूज़पेपर कटिंग्स हो सकती हैं जो कि आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ करके उन आर्टिकल्स को जमा किया, वो ही अपने आप में एक पजेशन, सेंस ऑफ पजेशन और उसकी खुशी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि वो भी अलाउड नहीं था जनरली। इनफैक्ट ये न्यूज़पेपर वगैरह पूरा सेंसरशिप थी वहाँ पे। अगला जो पैराग्राफ आएगा वो सेंसरशिप के लिए ही आएगा। तो जो प्रॉपर्टी सेंस वाला है, यहाँ पर इसमें प्रॉपर्टी सेंस वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो वॉट ही व्यूज और वॉट वॉज हिज व्यू ऑन सेंस ऑफ प्रॉपर्टी। एक ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके लिए बन सकता है। ठीक, उसमें क्या है कि मतलब ही फील्स दैट लिटिल थिंग्स दे आर वेरी वैल्यूएबल व्हेन द टाइम इज लाइक आइडेंटिकल। इस तरह के टाइम में छोटी छोटी चीजें भी आपको क्या होती है, बहुत डूबते को तिनके का सहारा होता है ना। तो ऐसी यहाँ पे व्हेन यू आर क्वाइट लोनली, सो समथिंग दैट प्लीजेज यू इज मीन्स मोस्ट प्रेशियस थिंग, वो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती बेशकीमती चीज हो जाती है। कह रहे यहाँ पे वो भी समटाइम्स इट वॉज नॉट अलाउड, दैट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। उसके बारे में सोच करके ही डिस्टर्बेंस मतलब स्ट्रेस हो जाता था, और वो फिर नॉस्टैल्जिक हो जाते थे कि यार इस तरह की चीजें। फिर क्या है कि कई सारे इमेजेस आपके माइंड में ऑलरेडी होती हैं, तो घर की याद आना, कैसे हम चीजों को संभाल के रखते थे, कैसे हमें मतलब इन वॉट वे वी वर फ्री, क्वाइट फ्री टू अरेंज द थिंग्स इन आवर ओन वे। ये एक हर किसी की टेंडेंसी होती है, जो आपका घर में जो भी कबर्ड है, अलमीरा, शेल्फ वगैरह है, उनकी आप क्या करते हो एक सर्टेन टाइम के बाद पोजीशनिंग चेंज कर देते हो।
क्योंकि आपको वो शायद बोर कर रही है, उसको यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे उसको वहां पे रख दिया, सफाई वफाई की तो सबको इधर उधर रख दिया, क्या हुआ उनमें एक नयापन आ गया। वो चीजें जो बोर करने लगी थी आपकी, फिक्स्ड एक स्टेट सबकी हो चुकी थी, अब उनमें एक एक फ्रेश और एक रिफ्रेशिंग लुक आपने उसको दे दी। सब सफाई कर दी, उनका लुक चेंज कर दिया, इधर की चीज वहां पे लगा दी, वहां की चीज यहाँ पे लगा दी, यहाँ की चीज वहां पे रख दी, वहां की यहाँ पे रख दी, तो क्या हुआ एक नया अपन दे दिया। ये छोटी छोटी खुशियां हैं, इससे अंदर की बहुत बड़ा एक मेंटल जो इलनेस है वो क्योर हो जाएगी, लेकिन आपका रिफ्रेश कर देती है चीजों को। तो कह रही ये चीजें भी वहां पे अलाउड नहीं थी। इसके बाद में फिर ये वाला जो है, ये यहाँ पे सेंस ऑफ प्रॉपर्टी वाला, इस वाले पैराग्राफ में आपको लगेगा कि क्या एक्टिविटीज ये नॉर्मली करते थे। कह रहे भाई पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ाना का तो मतलब नहीं, मतलब पढ़ना और लिखना, ज्यादातर पढ़ना, जो कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, ट्रेवल बुक्स वगैरह, ये आपको लास्ट में भी आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें ये नॉर्मली पढ़ते थे। और फिर कह रहे हैं कि एडिशनली ही ऑल्सो स्पिन, स्पिनिंग ऑफ कॉटन ये भी करते थे। वो मतलब एक अच्छा पास टाइम था, फिजिकली लेबर भी थी, काइंड ऑफ लेबर, और आपको मतलब डाइवर्ट करने के लिए ठीक ठाक एक एक्सरसाइज भी थी। और उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली करते थे और सबसे ज्यादा सब्सटेंशियली करते थे, दैट वॉज रीडिंग। जब रीडिंग से थक गए राइटिंग, राइटिंग से थक गए रीडिंग, दिस वॉज ऑल द थिंग्स दैट ही डिड। ये अगर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस तरह का आता था कि वॉट वर द कॉमन एक्टिविटीज दैट पंडित जी डिड इन प्रिजन, क्या क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज वो होती थी, ठीक ये वाली चीज। इसके बाद में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये किस तरीके से मतलब जैसे वो डिफेंस वाला था, ये यहाँ पे लिबर्टी, पंडित जी व्यूज ऑन लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी पर्टिकुलरली फॉर प्रिजनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिजनर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या कि भाई सेंसरशिप एक यहाँ पे ये थी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, व्हेन द मोस्ट सिविल लिबर्टीज हैव बीन कर्टेल इन इंडिया इट इज हार्डली पर्टिनेंट टू थिंक और टू टॉक ऑफ द प्रिजन्स राइट। अब कह रहे कि भाई यहाँ पर अब राइट्स के बारे में सोचना, प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में सोचना बड़ी इम्पॉसिबल बात थी, जहां पे सब चीज डिनाई कर दी गई थी। तो प्रिजनर्स के राइट के बारे में सोचेंगे वहां पे, जब पूरी तरीके से गुलाम कर रखा है कंट्री को, तो जो फ्री लोग थे उनको वर्चुअल गुलामी है, तो जो कैदी हैं उनके लिए किस बात की फ्रीडम होगी। लेकिन ये एक बात कर रहे हैं कि कॉस्मिक जो एक फ्रेटर्निटी और ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ग्लोबल डेमोक्रेसी, उन डेमोक्रेटिक आइडियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ही वॉज आइडियलिस्ट, तो उस आइडियलिज्म की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भी शुड बी गिवन, शुड प्रिजनर्स बी गिवन स्लाइट लिबर्टी और नॉट। कह रहे फिर उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया यूएसए के प्रिजन का, कि सच काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन यूएसए ऑल्सो व्हेन द कम्युनिस्ट मैगजीन्स वर बैंड इन द प्रिजन, सिंग सिंग न्यूयॉर्क की प्रिजन थी, उसमें एक जो कम्युनिस्ट मैगजीन्स थे उनको बैन कर दिया गया। एज मैटर ऑफ फैक्ट इट लेड टू द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हुए और फिर वहां की कोर्ट ने उसको अलाउ करना करना मतलब मजबूरी बन गई कि भाई नाउ ऑनवर्ड्स वट एवर काइंड ऑफ लिटरेचर और द रीडिंग मटीरियल द प्रिजनर्स रिक्वायर शुड बी प्रोवाइडेड, किसी भी तरह का, चाहे वो बैन हो चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट कर्टेल अ ह्यूमन बींग फ्रॉम हिज इंस्टिंक्टिव नीड्स। ये तो इंस्टिंक्टिव नीड्स है ना, इससे कोई ऐसा तो नहीं कि किताब पढ़ के आप पूरा कुछ नया ऐसा कर दोगे, जेल उड़ा दोगे, कुछ ऐसा हो जाएगा अजीब सा हो जाएगा जो कि उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाए, तो या फिर किताबें पढ़ पढ़ के ही अंग्रेज भाग जाए कि यहाँ पे आप किताबें पढ़ते रहो उधर अंग्रेज एक एक करके उड़ते चले जा रहे हैं, ऐसी कोई पावर मिल रही है किताब पढ़ने से, आप जितनी किताबें पढ़ रहे हो उतने अंग्रेज यहाँ से उड़ उड़ के इंग्लैंड भागते चले जा रहे हैं, या फिर वो मरते चले जा रहे हैं, या फिर उनका एम्पायर खत्म होता चला जा रहा है, ऐसा तो कुछ होने से नहीं था ना ही होता वहां पे, लेकिन फिर भी द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वॉन्ट मेंटल हेल्थ ऑफ द इंडियन प्रिजनर्स, इनको कम से कम मेंटली जो वो एक हेल्दी एटमोसफेयर है वो देना ही नहीं, जी बिल्कुल देना नहीं तो देना ही नहीं, ये यहाँ पे कह रहे। तो यहाँ पे जब सब चीजें पूरे कंट्री में कर्टेल्ड थी, तो यहाँ पे सेंसरशिप और उसके अगेंस्ट बोलना, ये तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज। यहाँ पे ये यूएसए नहीं था जहाँ पे आपके राइट्स की बात की जाएगी, और राइट्स की बात भी कब करी जाती है, जब आप मतलब यू आर द सॉवरन पावर योर सेल्फ, वेन समवन फ्रॉम अदर कंट्री ओवरटेक्स योर सॉवरेनिटी एंड देन ही रूल्स यू, दे रूल यू, तो वहां पे किस बात की
आप सेंसरशिप और किस बात का आप फेवर एक्सपेक्ट करते हो? तो कह रहे कोई फेवर यहाँ पे नहीं था, ये एक इस तरह का इरिलेवेंट क्वेश्चन था वहाँ पे अपने राइट्स के बारे में बात करना, बिकॉज वी वर नॉट अलाउड सिंपली। यहाँ पे अपने आप कहते हैं भाई ये मुझे अलाउड, मैं अलाउड था, वो एक बात थी कि भाई आई बिलोंग टू अपर क्लास, टॉप क्लास और क्लास वन, क्लास ए कैटेगरी का प्रिजनर था, इसलिए मुझे हो सकता है कि वो चीज़ें अलाउड हो, लेकिन मुझे भी कई बार जो मैं एग्जैक्टली चाहता था वो चीजें नहीं होती थी। नेवरलेस एज फार एज अदर प्रिजनर्स वर कंसर्न, उनको तो बेचारों को कुछ भी नहीं था, उनके लिए तो कुछ भी नहीं था, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे फिर लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि द ओनली काइंड ऑफ रीडिंग दैट वॉज अलाउड टू मी, वो कहती है आप नॉवेल्स पढ़ लीजिए, रिलीजियस बुक्स पढ़ लीजिए, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल या जैसे न्यूज पेपर्स हुए जो कॉमन हैपनिंग से पूरे भरे हुए हैं, तो वो जो हार्मनी है आपके और इस प्रिजन की हार्मनी है उसको डिस्टर्ब कर सकती है, एंड एज सच यू विल नॉट बी अलाउड टू रीड एनीथिंग इन दिस प्रिजन। सो दिस वॉज द स्टेट ऑफ प्रिजन इन इंडिया एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज। जो वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो दे शुड रीड दैट द स्टेट ऑफ प्रिजन इन इंडिया पर्टिकुलरली फॉर द इलीट पीपल वॉज सच, फॉरगेट अबाउट द स्टेट फॉर द कॉमन प्रिजनर्स। जो वो कॉमन प्रिजनर्स थे क्लास बी क्लास सी कैटेगरी के, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होंगी। जब पंडित जी जैसे लोगों के लिए जो कि इलीट क्लास से क्लास वन के प्रिजनर थे, इनके लिए ही बहुत सारी कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी चीजें मिलती नहीं थी जो कि हमें चाहिए थी, तो उनका आप क्या सोचिए? मतलब यू कैन सी द एक्सटेंट, यू कैन इवेल्युएट द एक्सटेंट, क्या एक्सटेंट थी वो? जब यहाँ पे इनको नहीं मिल रहा तो उनको क्या होगा? तो वो लास्ट में उन्होंने एक चीज यहाँ पे कही है कि इट वॉज नॉट द चॉइस एक्चुअली, इट वॉज कंप्लीट डिनायल। यहाँ पे शायद कहीं है ये टोटल डिनायल की बात यहाँ पे इन्होंने की है कि इट वॉज नॉट अबाउट द सेंसरशिप, इट वॉज द टोटल डिनायल कि हमें ये चीजें चाहिए, कि ये चीजें क्या, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग विल बी गिवन टू यू। सो द क्वेश्चन ऑफ लिबर्टी इन प्रिजन, ये एक यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है इसको ढंग से पढ़ लेना, इसमें आपका पता चल रहा है, मतलब दिस इज ऑल वॉट आई हैव सेड राइट नाउ, एंड इट इज अबाउट द लिबर्टी, द पर्सनल लिबर्टी, द इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ द प्रिजनर्स। सो इन इंडिया द सीन वॉज डिफरेंट, इन अदर कंट्रीज, इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए द थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि हम वैसे ही, मतलब एक तो कॉलोनाइज, वैसे ही एनस्लेव्ड और फिर प्रिजनर्स, मतलब ट्वाइस एनस्लेव्ड, एक तो जो फ्री घूम रहे हैं दे आर ऑल्सो प्रिजनर्स, और हम तो लिटरली प्रिजनर्स थे। तो हमारे लिए उनके एंड से, इंग्लिश पीपल के एंड से अगर कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भी दिस मटेरियल शुड बी गिवन टू अस, दैट मटेरियल शुड बी गिवन टू अस फॉर आर मेंटल हेल्थ, वी शुड बी अलाउड टू रीड एंड राइट और डू सम मेंटल एक्टिविटी, कह रहा कुछ नहीं, जैसे वो वैसे पढ़े रहो। तो वो कह रहा कि मुझ जैसे प्रिजनर्स के लिए जो कि टॉप क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, टॉप क्लास मतलब पॉलिटिकल स्टैंड है और मेरे किसी होने पे ना होने पे फर्क पड़ता है पूरी कंट्री को, और स्लाइटली फेवर भी करते हैं ये स्टार्टिंग में जैसे बताया, उनको अगर कुछ सिलेक्टिव है बस के भाई ये चीजें देख लीजिए कि ओनली दीज थिंग्स कैन बी अलाउड, इफ यू वॉन्ट टू रीड दे वुड बी कंटिन्यूड, अदरवाइज दे दिस फेवर वुड ऑल्सो भी विड्रॉन, ये फेवर भी निकल जाएगा फिर, कभी आप सोचोगे सब चीज चाहिए। कह रहे उन लोगों का क्या, बाकी प्रिजनर्स का क्या कि जिनको कुछ नहीं मिलता? इसमें एक बात और उन्होंने यहाँ पे कही है कि एक परसेप्शन ये होता है कि भाई कॉमनली पीपल डोंट, मतलब नॉर्मल प्रिजनर्स की बात है कि नॉर्मल प्रिजनर्स डोंट वॉन्ट टू रीड एंड राइट, क्या उनका पढ़ने लिखने से बहुत मतलब बोर होते हैं और इसलिए उनको नहीं दिया जाता, कि कुछ रीडिंग राइटिंग करने का कुछ मौका उनको नहीं दिया जाता इसलिए, क्योंकि दे डोंट फील इंक्लाइंड। कह रहे कि मेरे एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि कुछ लोग जो जिनसे मेरी, मतलब जो कुछ बैरिक्स में इनकी होंगे या कुछ जैसे खाने खाने के टाइम पे मुलाकात हो रही है, सो ऑल दोज ऑल सच पी और मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर इंक्लाइंड टू रीड एंड राइट, कि फिर मैं कैसे मान लूँ कि ये चीज जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वी डोंट प्रोवाइड रीडिंग मटेरियल और सम मटेरियल फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बिकॉज द पीपल डोंट लाइक दिस, कि मैं कैसे मान लूँ? आई हैव एक्सपीरियंसेज वेन द पीपल शेयर देयर फीलिंग्स फॉर राइटिंग और रीडिंग बिकॉज दे हैड टाइम ही टाइम, पूरा टाइम ही टाइम था उनके पास, तो दे वॉन्टेड टू डू समथिंग इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच दे वर डिनाइड, कह रहे ये डिप्लोरेबल था, दिस वॉज नॉट टू बी एक्सेप्टेड, ये चीज
नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, दिस शुड नॉट बी बॉट। इसके बाद में फिर ये यहाँ पे और वो स्टेट स्टेट ऑफ लिबर्टी के बारे में बात ही की है। फॉर द रेस्ट इज द 1999 इन एवरी 1000 टू और थ्री बुक्स वर परमिटेड ए टाइम। ये कंडीशन थी, एग्जैक्ट फिगर टाइप की दे रहे हैं कि लगभग 1000 में से एक बंदा उसको एक दो बार एक दो बुक्स दे दी जाती थी कि भैया ठीक है कर। ऐसा नहीं था कि जिसने मांगा उसको बुक्स पढ़ने के लिए दे दी, वो भी सिलेक्टिव बुक्स, वो भी ऐसा नहीं कि सारी सारी तरह की बुक्स कुछ, बट कंडीशंस आर सच दैट दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रिविलेज। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक बार बुक दे दी तो दैट बिकम्स देयर राइट। इट वॉज नॉट अबाउट द राइट, इट वॉज अबाउट द प्रिविलेज। प्रिविलेजेस कुड बी विड्रॉन एनी टाइम। हमें लगा कि हम ये प्रिविलेजेस वापस लेने चाहिए तो ले लेंगे। दिस इज नॉट योर राइट। ऐसा नहीं है कि भाई वन टाइम वी हैव गिवन यू परमिशन फॉर रीडिंग अ बुक एंड नेक्स्ट टाइम यू सिट ऑन इट धरना, कि अब हमें धरना, अब तो हम धरना करेंगे, बुक दो हमें। तो ऐसा, दिस इज नॉट योर राइट, दिस इज शियर एब्सोल्यूट प्रिविलेज विच कुड बी विथड्रॉन एनी टाइम। सो राइटिंग और टेकिंग नोट्स ऑफ बुक्स रेड आर डेंजरस पास टाइम्स इन विच दे मस्ट नॉट इंडल्ज। दिस वॉज द प्रीटेक्स्ट। ये उन्होंने कहा कि भाई राइटिंग करना, रीडिंग करना और राइटिंग करना बहुत डेंजरस था यहाँ पे। हो सकता है कि उनकी हार्मनी के लिए डेंजरस था, ब्रिजन लाइफ के लिए हो सकता है डेली, ये क्या कहते हैं, डेंजरस था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। राइटिंग और टेकिंग नोट्स ऑफ बुक्स आर डेंजरस पास टाइम इन विच दे मस्ट नॉट इंडल्ज। दिस डिलिबरेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डिस्करेजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज क्यूरियस एंड ट्रिवियलिंग। ये जो बात थी, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी, दैट शुड नॉट बी, कुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये मतलब ही क्रिटिसाइजेज दिस थिंग सीवियरली, कि एक्चुअली ये एक्चुअली मेंटल हेल्थ को लेकर के प्रिजनर्स की ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए थे। बाकी रिस्ट्रिक्शन कोई वैल्यू नहीं करते, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि ये क्या कहा जा रहा है कि ये डेलिबरेट डिस्करेजमेंट, ये तो डेलिबरेटली उनको कहा जा रहा है कि यू विल नॉट बी गिवन दिस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दिस विल लीड टू द डिसहार्मनी ऑफ द प्रिजन लाइफ। अब प्रिजन लाइफ उससे कैसे अफेक्ट होगी, एनीवे ये उनका वो था। इसके बाद में और जो ये जो व्यूज थे, व्यूज लिबर्टी के ऊपर, उसी को उन्होंने और थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिक्लेमिंग अ प्रिजनर एंड ऑफ मेकिंग हिम अ फिट सिटीजन, हिज माइंड शुड बी अप्रोच्ड एंड डाइवर्टेड एंड शुड बी मेड लिबरेट एंड टॉट सम क्राफ्ट। ये इन्होंने यहाँ पे मतलब इट इज हिज व्यूज, जो एक प्रोग्रेसिव व्यूज होने चाहिए वो किसी पर्सन के, तो वो पंडित जी के थे। क्या थे? रिक्लेमिंग अ प्रिजनर ऑफ मेकिंग हिम फिट सिटीजन। प्रिजनर, इसका मतलब ये नहीं कि देयर आर ऑल मीन्स डोर्स क्लोज्ड फॉर हिज बिकमिंग ए सिविलाइज्ड अगेन। ही हैज कमिटेड सम मिस्टेक और अ क्राइम, दैट डज नॉट मीन दैट ही विल रिमेन सो थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ये तो कोई ऐसा नहीं है। एवरी प्रिजनर डिजर्व्स अ सेकेंड चांस। उसके लिए क्या है? His mind should be approached and diverted and should be made literate and taught some craft. Mind को indulge होने के लिए some sort of activity, जैसे आप present जो free India में, जो जैसे आप jails की condition देखोगे, तो उनको they are made to do something or other, कुछ भी, जैसे movies में दिखाते ना कि chair जरूर बनवाते हैं उनसे, कुछ और बनाए ना बनाए, वो जो prisoner होगा chair जरूर बनाएगा, पता नहीं chair से क्या है, और टेबल चेयर टाइप के जरूर बनवाएंगे उससे, या फिर और कुछ ये घास वास खुदवा देंगे या साफ सफाई करवा देंगे। मतलब दे आर कैप्ट बिजी इन सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, प्लस दे आर गिवन रीडिंग मटेरियल। इवन क्या, दे कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। इन मैनी केसेस द प्रिजनर्स दे कंप्लीट देयर एजुकेशन और दे स्टार्ट देयर एजुकेशन एंड कंप्लीट देम, उसी पूरे टर्म में वो अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या है कि ये दिया जाना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं, और हो सकता है जब ये पीएम बने थे तो उन्होंने इन सारी चीजों को पहले अप्लाई भी किया हो। तो प्रोग्रेसिव आइडियाज ये है कि इन आइडियाज को एटलीस्ट ये कॉलोनाइजिंग कंडीशन में भी अप्लाई किया जाना चाहिए था। प्रिजनर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, लेकिन आप ह्यूमैनिटी की कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन यू आर बींग कॉलोनाइज्ड। आप अपनी कंट्री में फ्री तो हो ही नहीं, तो आप ह्यूमैनिटी की बात कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये था ठीक। ये कह रहा है कि ये वाली बात बाकी कंट्रीज में कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब रिवीलिंग, जो
कहा गया वर्ड कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इट इज सेल्फ इविडेंट, ये तुरंत दिखती है, क्लियरली विजिबल। दिस थिंग इज क्लियरली विजिबल इन अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, बट हेयर इन इंडिया, पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज, दिस कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड। कुछ नहीं यहाँ पे, मतलब इट कुड नॉट बी थॉट इवन। तो ये इसमें आइडियाज और है इसके इसके बाद में। सो आई ऑक्यूपाइड माई सेल्फ विद माई बुक्स, गोइंग फ्रॉम वन टाइप ऑफ रीडिंग टू अनदर, यूजली स्टिकिंग हैवी बुक्स, स्टिकिंग टू हैवी बुक्स। हैवी बुक्स नॉवल्स मेड मी फील मेंटली स्लैक। नॉवल्स नहीं पढ़ते थे, हैवी बुक्स मतलब क्या है, जिनमें आपको समझने के लिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या उनके कौन सी चीज कैसे हुई क्या हुआ, इस तरह की बुक्स वो पढ़ते थे। मतलब यहाँ पे क्या है, वॉट काइंड ऑफ रीडिंग मटीरियल दैट ही हैड यूजली, कौन सा रीडिंग मटीरियल कॉमनली इन्होंने पढ़ा वहां पर, इस चीज को यहाँ पे बताया हुआ है इस वाले पैराग्राफ में। तो हिस्टोरिकल मटेरियल, ट्रैवल बुक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंटली इन्होंने पढ़ी वहां पे, ये आपको लिखना है लास्ट पैराग्राफ में। ये जो ट्रैवल बुक्स कौन कौन सी थी, तो ट्रैवल बुक्स कॉमनली इन्होंने पढ़ी, और रिकॉर्ड्स ऑफ द ओल्ड ट्रैवलर्स, ये ट्रैवल बुक्स आपको पता चल रहा है। कौन कौन से लोगों को मेंशन किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है अगर छोटे क्वेश्चन हुए, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगर एमसीक्यू हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो मार्कोपोलो का मेंशन है, हुएन सांग का मेंशन है, इब्न बतूता का मेंशन है, और ये कुछ और लोग है, ये सिवन हेडिन का मेंशन है। तो इसमें कुछ एक ऐसे दिए जाएंगे जिनका मेंशन यहाँ पे नहीं है। किस तरह की बुक्स पढ़ी इन्होंने, वो बुक्स का भी आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो बुक्स का, और एक एटलस, एटलस को भी यहाँ पे इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। अभी एटलस कहती है एक वर्चुअल टूर, अब क्योंकि बिफोर ही केम टू द प्रिजन ही ऑलरेडी हैड अ वर्ल्ड टूर, एक्सेसिबल पर्सन थे, एफ्लुएंट भी थे, कोई किसी तरह की कमी तो थी नहीं, तो ही हैड विजिटेड मैनी प्लेसेस, मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे प्रिजन में है, तो कह रहा है कि मुझे बहुत चीज बड़ी पिंच करती थी, और जब एटलस, गोइंग थ्रू द एटलस और द जियोग्राफिक बुक्स ऑन जियोग्राफी, जहाँ पे प्लेसेस व्लेसेस का जिक्र था, पर्टिकुलरली एटलस जो मैप्स वगैरह, उससे मैं एक वर्चुअल टूर ही हो जाता था, और वो नॉस्टैल्जिक और हो जाता था। मतलब वी वुड फील, वी वुड रिमेम्बर यार के ये भी टाइम हमने फेस किया है, ये भी इंजॉय किया है, व्हेन वी वर फ्री वी यूज्ड टू गो दिस प्लेस और दैट प्लेस। तो एक ऐसा ये टाइम, इस तरीके से कभी सैड फील करके, कभी कंफर्टेबल फील करके, कभी कंसोल फील करके, दिस इज हाउ वी हैड पास्ड द टर्म ऑफ 2 ईयर। तो ये पूरा 2 ईयर का जो टर्म था वो इस तरीके से ऐसे ही पास इन्होंने कर दिया इसमें लास्ट में, और ये है। तो किस तरीके से ये लास्ट वाला पैराग्राफ, लास्ट वाला सेंटेंस आप देख लीजिए, ये एंड लॉन्गिंग टू गो अगेन टू दोज हॉन्ट्स ऑफ पास्ट डेज, ये लॉन्गिंग थी। मतलब व्हेन यू गो थ्रू सम काइंड ऑफ एटलस और हिस्टोरिकल बुक और ज्योग्राफी, बुक्स ऑन ज्योग्राफी, सो यू फील सर्ज ऑफ लॉन्गिंग अगेन यार, के आप कई बार फोटो ही पिछली कहीं विजिट के देखते हो, और उस समय में देखते हो जब आप जा नहीं सकते हो, तो फोटो देख करके आपको एक नॉस्टैल्जिक और एक हैप्पीनेस दोनों ही होती है, कि यार दोबारा जा सकते हैं काश, या फिर गए थे तो कितना अच्छा था। यही यहाँ पे वो फील कर रहे हैं कि हॉन्ट्स ऑफ द पास्ट डेज एंड विजिट्स ऑल अदर वे इनवाइटिंग इनवाइटिंग मार्क्स एंड डॉट्स दैट रिप्रेजेंट ग्रेट सिटीज। जो भी एटलस में उन्होंने ग्रेट सिटीज या फिर शेडेड रीजन्स, वो फॉरेस्ट के रीजन हो, माउंटेन्स हो, ब्लू पैचेस, ब्लू पैचेस कौन से, वो जो ओशन ओशन हो, सीज ओशन ही यहाँ पे, और द ब्यूटीज ऑफ द वर्ल्ड, वॉच एंड स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द चेंजिंग ह्यूमैनिटी एंड द लॉन्गिंग टू डू ऑल दिस वुड सीज अस एंड क्लच अस बाय द थ्रॉट। ये सारी लॉन्गिंग, ये सब कुछ दोबारा से एंड कैप्चर कर लेती, जब इनके बारे में ज्यादा सोचते पढ़ते तो फिर लगने लगता है कि यार काश एकदम से बर्ड टाइप का बन जाओ, कुछ मैजिकल ऐसे हो जाए कि ये भाग भाग के दोबारा से उस जगह पर चले जाए। एंड दिस इज हाउ द टाइम पास्ट, एंड वी वुड हरीडली सोरोफुली पुट द एटलस, और फिर क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक हो गए तो वो जो बुक थी उसको रखा पास में, कि अब छोड़ो यार, व्हेन वी कैन नॉट गो सो व्हाई टू थिंक सो मच, सोचने क्या हो रहा है, एंड रिटर्न टू द वेल नोन वॉल्स दैट सराउंडेड अस एंड डल रूटीन दैट वॉज आवर डेली लोड। इसलिए फिर क्या करते, उस बुक को वहीं पे रखा, और फिर अपनी चार दीवारी जो थी उसमें आ गए, और जो अपना डेली रूटीन था वही करते
चले गए। तो दिस इज हाउ ही पास्ड हिज टाइम, और क्या क्या एक्टिविटीज की, क्या व्यूज इनके लिबर्टी के ऊपर थे, पर्सनल लिबर्टी, एजुकेशन ऑफ प्रिजनर्स, मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रिजनर्स, और हिज पर्टिकुलर मीन्स लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज इन जेल। ये सारी चीजें आपको इस पूरे ऐसे में मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं समझने के लिए, एक आप रीडिंग लगाओगे और ये थोड़ी सी जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान में रखोगे, सो यू वुड अंडरस्टैंड क्वाइट ईजिली, पर्टिकुलरली फ्रॉम द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी आप देखो तो वो दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, हिज व्यूज ऑन लिबर्टी, हिज व्यूज ऑन रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द इंडियंस, एंड हिज पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस, वाई ही स्टॉप्ड इंटरव्यूज एंड अगेन रिज्यूम्ड इंटरव्यूज, एंड वट काइंड ऑफ रीडिंग मटीरियल ही यूजली हैड, वट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ही डिड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ पॉजिटिव एंड फिट, एंड वट अप्रोच और एटीट्यूड और ओपिनियन डिड ही हैव अबाउट ब्रिटिशर्स। इस तरह के चार पांच क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बन जाएंगे। ये सारा पढ़ने से सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे।